हेलो, वेलकम बैक। आपके सहेलियां को जल्दी बाहर से बुलाइए। मैंने सीख ली भाषा, पर्यायी चिकित्सा। तो सुनिए, वी हैव विद अस फॉर द नेक्स्ट पैनल शीला रगानी एंड अविनाश आनंद सिंह। शीलू रगानी, प्राणिक हीलिंग एंड अरहटिक, आई चेक द प्रोनाउंसिएशन, योगा प्रैक्टिशनर, प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर, मैथमेटिक्स एजुकेटर। एंड अविनाश आनंद सिंह, हिज वर्क इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। Radhika, your translation would be appreciated. Pranic healing and ahatic yoga, conducts workshops and programs and is a transformational coach. Could you kindly come up, please? We also have Pradeep Nair, who is a research officer, National Institute of Naturopathy, Minister of Ayush. We have with us Sachin Khirit for homeopathy. He's been practicing since 2002. He trained under Dr. Habu and he's a consultant at Sanjeevani Multispeciality and at Nyamurti Rana De Homeopathy. Please come up. Dr. Sriram Inamdar is an Ayurvedic consultant, integrated cancer physician working in palliative and prevention care and oncology. And we have Mr. Santosh from the Vedanta Academy, founded by Swami Parthasarathy in 1988. The Vedanta Academy is a world resource for study, research and dissemination of Vedanta. And for our moderator Devika Bhojwani, who has been on the stage before. मैंने इनके लिए एक स्लाइड बनाई थी फॉरन में, उनके बहुत बड़े बड़े बहुत मशहूर है। एक फ़ोटो दिखाइए प्लीज़, जल्दी से दिखाइए। मैडम भोजवानी का फ़ोटो दिखाइए। आप यू कम अप हियर प्लीज़, एनी वेज। अच्छा, फोटो दिखाइए, जल्दी से दिखाइए। यस, देयर यू गो, देखिए, दिखाइए स्क्रीन पे। देखिए इनका ये बहुत ग्लैमरस फोटोग्राफ मुझे नेट पे मिला था, कितने कलर में कितने लोगों ने देखो रिप्रोड्यूस किया है। थैंक यू। इतनी फोटोग्राफ्स टाइम स्क्वायर पर। अच्छा, ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे साथ बहुत सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं जो हमको बताएंगे कि हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है, जो यहाँ डॉक्टर्स के साथ, ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, उसके साथ हम एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अच्छी कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं? यहाँ आयुर्वेदा है, होम्योपैथी, योगा, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर, स्पिरिचुअलिटी, प्राणिक हीलिंग, और मैं थोड़ा अपने आप रेकी हीलिंग की बात करूंगी, क्योंकि आई एम अ रेकी मास्टर। और मैंने मेरी ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर जब हो रहा था और रेडिएशन के बाद, मैंने अपने आप को वही ट्रीटमेंट दी थी। तो आई एम ऑल्सो अ ग्रेट बिलीवर कि देर आर थिंग्स विच कैन सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट आर ट्रीटमेंट दैट इज बीन प्रिस्क्राइब बाई ऑन्कोलॉजिस्ट। बट इसके बारे में हमारे इतने एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, आई थिंक इट विल बी नाइस कि ये सब आपको एक एक बार कुछ अपनी ट्रीटमेंट और अपनी थिंकिंग के बारे में कुछ कहें। सो थैंक यू सो मच फॉर बींग हियर। मे आई नाउ इन्वाइट टू स्पीक अबाउट द आयुर्वेदा सिस्टम्स डॉक्टर श्रीराम इनामदार। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबडी। मैं आपको आयुर्वेदा का जो कंसेप्ट है बेसिकली, उसके बारे में बोलने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप इन माइंड, एक बात ध्यान से सुनिए कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं होती है कैंसर के लिए। मैं 18 साल एक्स में काम कर रहा हूँ। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं इन चीज़ों के, उसके लिए अपन अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे तो उसकी बहुत बढ़िया आपके शरीर पर फ़ायदा हो सकता है। बेसिकली आयुर्वेदिक का जो प्रयोजन है वो क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, अतुर से व्याधि परिमोक्षणम। मतलब क्या कि जो स्वस्थ आदमी है उसका स्वास्थ्य टिके रहे, और जो अतुर मतलब जो रोगी है, जो व्याधिग्रस्त है, उसका व्याधि मुक्त हो जाए।
आयुर्वेद में जो तीन दोष बोले हैं वात पित्त कफ और सात धातु बोले हुए रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, इन सब में अगर बिगाड़ होता है तो कोई भी संप्राप्ति होती है। जो भी हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रकृति परेक्षण करते हैं, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन। अभी डॉक्टर गुप्ता ने सर कहा था कि पर्सनलाइज मेडिसिन अभी आ रहा है, आजकल मॉडर्न मेडिसिन में भी हर एक पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग है, हर एक की प्रकृति अलग अलग है। भले उसको एक कैंसर हो, दस लोग लेंगे हम तो हर एक का प्रकृति अलग रहेगा। तो उसकी प्रकृति जाने पहले वो प्रकृति के दोष कौन से हैं उसको हमको ट्रीटमेंट करना है, फिर वो कैंसर हो या डायबिटिक हो या बाकी चीज़ें हो उसका ट्रीटमेंट वैसे हो जाता है। लेकिन जो मॉडर्न मेडिसिन में बोला गया है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग अगर एक बार पेशेंट का जो कैंसर का ट्रीटमेंट है कीमो रेडियोथेरेपी सर्जरी, उसके बाद में मेरा जो अभ्यास चल रहा है प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स, मतलब क्या अभी हमको बीमारी क्यों हुई थी, कोई बीमारी किसी से लगी कि हमको नहीं, ये हमारे ही बॉडी में ऐसी कुछ चीज़ें बदलाव आ गया जिससे हमें ये कैंसर बीमारी हो गई। तो उसका बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है वो लाइफस्टाइल से है, ये डिसीज़ है वो लाइफस्टाइल डिसीज़ है। तो आपको क्या करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है आपका। जो बीमारी के पहले आप लोग करते थे वही सब चीज़ें बाद में करेंगे, वही सब खाएंगे पिएंगे तो आपको बीमारी वापस होने का चांसेस है। उससे अच्छा अगर जो चीज़ें आपने पहले की है वो अगर ना करें, परहेज करें ठीक से और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, उसमें हम लोग योगा प्राणायाम रोज़ का चलना है, खाने पीने की जो कुछ परहेज है वो अगर ठीक से करें, तो बेसिकली लाइफस्टाइल जो है वो हर एक की प्रकृति के हिसाब से होती है। दिनचर्या ऋतुचर्या ये सब चीज़ें आयुर्वेदिक बोली गई हुई है, इस चीज़ों का अगर हम लोग फ़ायदा करेंगे तो डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू डॉक्टर रामदार। मगर एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत यहाँ वेद होते हैं जो बातें करते हैं कि 100% गारंटी कैंसर क्योर, अच्छा इनका क्या करें? नहीं, ये चीज़ें मैंने भी बहुत देखी है इन सालों में, 100% हम लोग आपको बीमारी क्योर करेंगे। और जो फर्स्ट स्टेज की जो बीमारी होती है उस टाइम पे अगर पेशेंट आता है तो उसका बीमारी क्योर हो जाता है, लेकिन वो लोग आयुर्वेद या अदर चीज़ें करते बैठते हैं और जो फर्स्ट स्टेज की बीमारी है वो आगे आगे जाती है, दो चार महीने उसी में निकल जाते हैं। और उसके बाद में हमारे हाथ में जो मतलब मॉडर्न मेडिसिन के हाथ में भी कुछ लिमिटेशंस है, अगर स्टेज 3 और 4 का बीमारी आ गया तो डेफिनेटली देर इज नो क्योर, पर वही बीमारी अगर स्टेज फर्स्ट में आती है तो देर इज अ चांसेस दे कैन गेट अ वेरी 100% क्योर ऑफ दिस डिसीज। थैंक यू। हम पीछे क्वेश्चन आंसर में आप पूछ सकते हैं, वी विल गो टू द नेक्स्ट। नाउ इन होम्योपैथी डॉक्टर सचिन किरिड, I think if you can explain just the concept of homeopathy and how it can complement to supplement the actual first line of... In 1 minute to put down homeopathy would be impossible. Okay. So what I'm going to ask, aap mein se kitne logon ne homeopathy liya hai? Fair number of hands. Kaafi concepts Ayurveda se judte hai. Pehle baat to main first hi clear kar deta hoon. I am 15-16 years in practice. It is wrong to say we can cure a cancer with homeopathy. It is wrong. All right? We play a beautiful complementary adjuvant role, yani mainstay treatment, chemotherapy, radiation, surgery, if you complement with homeopathy, is sab ke saath homeopathic works beautifully. Reason is, homeopathy is derived from natural sources, there are no chemicals in this. Ye aapke body ke immune system ko use karta hai for cure, for remissions, for relief. So homeopathic drugs, homeopathic remedies jo hum bolte, we don't actually use the word drugs, they can be very, very powerful, very, very effective to combat a lot of cancer-related issues. When I was listening to the previous session, unhone discuss kiya psychological impact, unhone discuss kiya nausea, vomiting, unhone discuss kiya ye neuropathy. We have excellent remedies in homeopathy, but ek dawai, ek bimari is not homeopathy. Har aadmi ki reaction alag rehti hai. हर डिजीज़ का रिएक्शन अलग रहता है। जो अंदर का सेल बोलता है वो कैंसर में डेवलप होता है, वो जो आदमी वो कैंसर के पीछे, वो जो औरत जो कैंसर के पीछे, उसको ढूंढ निकालने में होम्योपैथिक फिजिशियन का स्किल रहता है। ये इजी नहीं है, आप कई लोगों ने कई बार सुना होगा ये दे दो कम हो जाएगा, बहुत लोग आर्निका ले लेते हैं, बस आर्निका ले लो सर्जरी सब ठीक हो जाएंगी, ये गलत बात है। राइट सलाह लेके, साइंटिफिक होम्योपैथिक लेके यू कैन गेट फार फार बेटर रिजल्ट्स।
वील आंसर क्वेश्चंस, आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे क्वेश्चन आंसर सेशंस में. सो डॉक्टर, आप क्या कह रहे हो कि द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर रेडिएशन के बाद या कीमोथेरेपी के बाद और हार्मोनल थेरेपी के बाद, यू आर सेइंग दैट यू वुड गिव होम्योपैथी एंड दैट वुड हेल्प रिड्यूस दोस सिम्टम्स? एब्सोल्युटली. इसमें वन थिंग आई विल क्लियर राइट अवे, व्हेन वी से दी साइड इफेक्ट्स टेक प्लेस, दे आर टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ड्रग. सो मेनी पीपल हैव दिस थिंग या मिसकंसेप्ट बोलते कि अगर होम्योपैथी दिया तो ये इफेक्ट भी निकल जाएगा. ये गलत बात है. एंड पीपल हैव दिस सिली कॉन्सेप्ट कि होम्योपैथी देंगे तो पहले कैंसर बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा. वर्स्ट मिसकॉन्सेप्ट. ऐसा कुछ नहीं होता है. बॉडी में ऐसे कोई चेंजेस नहीं होते. सो दैट इज समथिंग मुझे बहुत क्लियर करना है. ये जो पिक्यूलियर पर्सन, अभी हम नौशा वॉमिटिंग के एक ही सिम्पटम ले लेंगे, 10 में से 4 औरतों को ऐसा लगेगा कि ठंडा पानी पीने से अच्छा लगता है. 4 को लगेगा नहीं नहीं कुछ गर्म लेके मुझे एसिडिटी ठीक लगता है. और कुछ बोलेंगे नहीं डॉक्टर हम चलते हैं तभी वो नौशा वॉमिटिंग कम हो जाता है. ये हर पेशेंट की दवाई अलग बोल रही है. दवाई चेंज होती है. एक ही दवाई दे देंगे तो 0 रिजल्ट्स. और होम्योपैथी में एक्चुअली डॉक्टर और पेशेंट 3-4 बार मिलते हैं. पूरी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, खाने पीने, बचपन का, किससे डरते हैं, रात को गर्मी पसंद होती है, ठंडी. सो देर इज सच अ बिग क्वेश्चन आंसर. सो ईच पेशेंट इज ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल. और ये हमें पता है कि एक्चुअली कैंसर ऑल्सो, एवरी ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो डिफरेंट. तो इट्स नॉट दैट इट्स अ ब्लैंकेट थिंग. अच्छा ब्रेस्ट कैंसर हुआ, होम्योपैथी गई, एक दवाई दे दी. सो इट इज अ वेरी डीप स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल एंड अकॉर्डिंगली दैट मेडिसिन इज स्पेशली प्रिस्क्राइब्ड. ठीक बात. Thank you. I think now we'll just go on to yoga, which is being now, our Prime Minister, the whole country, there is a yoga day the UN has produced. So yoga has become a very powerful tool in the hands of people, but people need to understand what it is actually. Is it an exercise? Is it breathing? Is it pranayama? Is it all of it? And what are the benefits, physical, mental, that we can derive from it? So we're very happy to have from the Yoga Institute of Naturopathy, Dr. Pradeep Nair. If you could just help us a little Thank bit. Thank you. Good evening. So I come from National Institute of Naturopathy, which is just right away to this building. So basically, naturopathy's concept, we are saying, is like returning back to the nature. Like we have different type of intervention, cardiologists, interventional oncologists, and a lot of people are there around us. And there are a lot of yoga also around us. So many people, Bikram yoga, power yoga, hatha yoga, and different. People are so confused which yoga to take, what yoga to take. And the moment you hear about yoga, you'll feel that you have to put your head under your legs, and it's quite difficult. It's for rich people, basically. So poor people cannot do yoga. There are a lot of misconceptions like that. And it is a last resource by the person. Thanks to the Prime Minister, it came to the limelight. But it is a last source of, like, usually in public talks, we used to say, people first go to allopathy, homeopathy, then Tirupathy, and finally come back to naturopathy and yoga. So it's something like that. So we don't think about a preventive tool. Rather, we'll think that paracetamol is there. Fever rane do, we will be having a pill. So it is something different. Yoga can work both as a preventive tool as well as curative tool. So basically, I'm a naturopathy physician, and yoga is a kind of a tool we use to treat people. So I don't know people to attain samadhi through yoga. I can just treat people to attain the happiness. So cancer is something very delicate. People, the moment you say you are diagnosed with cancer, the thing Yamaraja will be in your face. So you'll be thinking I'm going to die. So it is not the case for every cancer. The cancer has given so much of boost that in our younger days, we don't know what is cancer because it comes solely to rich men like diabetes. So right now it's like every next day when we meet in a marriage or something, people speaks about cancer, which doctor you are consulting. Are you taking homeopathy along with that? I'm from South India, so Hindi is a problem. So we will get somebody to translate. Thoda hum translate karenge. No, I can speak. Radhika Marathi mein sab noting kar rahi hai, aur Hindi mein bhi. Theek hai. It's fine, doctor, go ahead. Hum pura aapko batayenge. I'll try. सो बेसिकली हम सोचते हैं जैसे कि जो योगा जो है बड़ा चीज़ है, हम नहीं कर पाएंगे योगा. सो योगा ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग कर सकते हैं. सो योगा कैसा कैंसर केयर में, कहाँ पे योगा वी कैन कीप इट. सो योगा वी कैन कीप इट लाइक द मेंटल स्ट्रेस व्हाट वी मे बेसिकली फेस. सो स्ट्रेस इज द बेसिक रीजंस फॉर ऑल द थिंग. लाइक कैंसर इज डेंजरस, बट स्ट्रेस इज मोर डेंजरस दैन कैंसर, बिकॉज
our body is very delicate. As he told it, each individual is different. The cancer, the stress, or the different types of stress. As the previous session they told, it may be due to hyposexual activity, or it may be due to the caretakers giving too much of care that we feel we are sick. So these are the different area which gives us a lot of stress. And yoga is a perfect thing which can handle this stress component. So once the stress is there in the body, there will be a lot of changes happening. Start from your gut flora, it's a good bacteria in your body. So from there is a connection to your brain, and you will be thinking about cancer more than the cancer is there in your body which make you sick. So yoga, we have different type of, it is not that you have to sit in the ground, fold your legs and sit in Padmasana and attend Samadhi. It is not like that. There are simple breathing techniques, there are certain deep relaxation techniques which will be just giving guided imaginary like you'll be imagining your body parts, and that will be giving you relaxation. And on the other hand, being a naturopathy physician, so yoga is clubbed with yoga and naturopathy in the Ministry of Ayush. So naturopathy, we have a lot of things like which can complement conventional system of medicine. Like for example, the simple reason, the fasting. The Maharashtra is known for fasting, but fasting also, we have our convenient way of fasting, having sabudana. So we used to ask people, I'm on fasting, I don't have, but I can see them having sabudana vada with dahi. So that is not the way of fasting. So our stomach is like a customer care center, 24/7, whatever you are putting inside, it will be just digesting and giving an answer. So till here only, it is like you will be having dahi vada, sabudana vada, or whatever vada. After this, it is protein, carbohydrates, vitamins, minerals, and all those stuffs. So they don't know what the name it is coming. So every time, if you are awake, you want to eat. If you are in the front of the TV, now there is no dining room concept, it is all drawing room come dining room. You will be sitting in the front of the TV and having food. So all these things have an impact. So as a naturopath, we tend to correct the lifestyle, which is very important than giving medicines or treating people or addressing them. You are having this myeloma, you are having this leukemia, it's different. First, a person, how they are. So it is all about the person than the medicine or the system. So we all are here for the person, and yoga is more close to the person. I think we cannot conclude it in a very small session. Thank you for the opportunity. No, but Dr. Nair, I appreciate what you're saying, that there is a lot to yoga, and it's 1,000-year-old. This country has the exponents of, they say Shiva was the first yogi. So, I mean, it goes back so far. But I must tell you a very, very interesting fact, that Tata Hospital, Mumbai, hum ek study kar rahe last 6 saal se, the impact of yoga that helps increase the cure rates in breast cancer. Ye study chal rahi hai. There's a lovely lady, Nishu Goel, jo hamari aake ek small group, dedicated group ke saath yoga karti hai last 6 saal se, and they are documenting ke jo breast cancer treatment ho rahi hai, which is the regular treatment, and usse complementary yoga ke saath, is the cure rates increasing? Now, if we come to that conclusion, it will be a fantastic complementary way of dealing with breast cancer. So we are hoping that at some point this study will actually be released. Now we have a very, very interesting spiritual speaker who will speak on Vedanta, Mr. Santosh. If you will tell us about Vedanta and the mind-body connection. Yes? Yeah. Sure, thank you. Aap Hindi mein baat karenge ya Angrezi mein? Same, so can okay, okay. Then we will translate it. Yeah. See, the first point that we will try to analyze today is, in life, it is not what we meet. It is how we meet it. For example, say there is a vehicle in the house. The vehicle can be used for constructive purposes or destructive purposes, antisocial activities. Similarly, there is a knife. Knife can be used for cooking a meal or can be used for harmful activities. So knife being the same can be used for constructive or destructive purposes. Similarly, experiences in life, it is not what are the experiences that we face in life, but how we face it. You might have heard of Socrates, a philosopher. There is an episode where a person went up to Socrates, a boy, and asked him, "Sir, I want to get married. What is your advice?" So Socrates said, "By all means, get married. If you get a good wife, you'll be happy. If you don't, you'll become a philosopher."
So either way, it's good, isn't it? So it is not what you meet in life that matters, but how you meet it. You could have a good person as a partner and still suffer. You could have a bad one. In fact, Socrates had a bad one, and he was happy. So in life, it is not what we meet, it is how we meet it. So what decides how we meet it? Who meets it? Of course, when we are sitting here, the body is present here. My body is here, speaking. Your body is sitting here, listening. But within the body, there are two equipments. One is mind, that is manas. The second is intellect, that is buddhi. Manas is that which feels emotions, likes and dislikes, impulses, feelings. The after effect of the experience you have gone through, if you allow the mind to function by itself, then you run into all sorts of problems. Mind is like the child in us. What should control the child in the house is the adult. Adult is the intellect in us. So if you leave the child to itself, it will create a lot of problems. We have to develop this adult in us, which is the intellect. If we develop the intellect, the buddhi, then it can control the child, which is the mind, in us. If we do not develop the intellect, the mind by itself can go into any direction. Suddenly it will start fearing, what will happen tomorrow? What will happen tomorrow? Suddenly, as we are sitting here, I hope my car is not stolen. I hope it's not raining today. I didn't get an umbrella. See, all sorts of unnecessary thoughts will be put up by the mind. It is the intellect which comes and says, hey, look, when I'm here, I'm here. There are certain things in my life which are in my control. Fine. There are certain things which are not in my control. So when the intellect understands that clearly, then it is able to control the mind. When the mind is controlled, then there is no avenue for stress, depression, even divorces, fear, pain, etc. It is the mind that causes all these problems. So once you develop the intellect, then you control the mind. When the mind is appeased, then you turn towards spirituality. So Vedanta gives this technique of first developing the intellect and then pushing you towards the ultimate goal of spirituality. That is the goal of Vedanta. So Vedanta is consisted of two words, Veda and Anta. Veda means knowledge. Anta means end. So you start with developing the intellect, control the mind, and it takes you all the way to the state of spiritual enlightenment. That is Vedanta. And do you feel that this is also something that could help in the healing process? Or could it be a preventive to cancer? I mean, where would you feel the benefits of Vedanta would be more? That if you would follow this way of thinking and living, yes, would it help prevent? Or would you feel that it is more powerful as a curative after? It is more powerful as a curative in this juncture, because we are talking of those who have already gone through that experience. But as a preventive measure, I can't get into it too much because I don't have proofs as such. But as a curative measure, the agitations that you face is because of the mind. Medication can take care of the body. Mind has to be taken care not by external circumstances, but by something that is subtler than the mind, which is the intellect. Thank you. We will do some questions and answers. And after that, you will also explain. But one more very interesting speaker is with us. Actually, two. Pranic healing, which we universal energy. Lete hai. We all know that there is an energy around. उसको हम enhance करके अपने through use करते हैं healing के लिए. And to tell us a little bit about that, we have Sheila Rajani and Avinash sitting here. And Sheila doesn't speak too good Hindi. So Avinash Hindi में बोलेंगे और Sheila अंग्रेजी में, and we will understand दोनों से क्या कह रहे हैं. Marathi? And आप Marathi में translate करोगे. Okay. So tell us a little bit about pranic healing. What is the actual system? And have you seen any results with cancer patients? Have you worked with them? You know, enlighten us. Namaste, everybody. We'll start off with telling you a little bit more about pranic healing.
It's a no-touch, no-drug system of healing. We work on your energy body, okay? So your healer doesn't touch your physical body. We work side by side with doctors, okay? So we absolutely encourage them to do whatever they're doing with the allopathy method, and side by side work on the energy body, physical body is being taken care of, and energy body is also being taken care of. Yeah. नमस्ते. प्राणिक हीलिंग जो मैम ने बताया, ये इसका ओरिजिन आता है प्राणा से, जो पूरे संसार में सृष्टि में प्राणा हम देखते हैं, सन से आती है, एयर से आती है, ग्राउंड से आती है. तो अब साइंस क्या रिसर्च कर रहा है, अब कैमरा भी डिस्कवर हो चुके हैं, जहाँ से हमारी जो बॉडी है फिजिकल बॉडी वो एक है, इसके बाद हमारी एनर्जी बॉडी भी आती है जिसको प्राणा बॉडी कहते हैं. इनफैक्ट नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पर ये बात बताई कि अब हमें ज़रूरत है इन चीज़ों पर रिसर्च करने की, जो इंडिया का बहुत विजडम रहा है. तो प्राणिक हीलिंग जो है ये नो टच नो ड्रग, मतलब कुछ दवा नहीं और कुछ टच भी नहीं होता इंसान के शरीर पे, और हम बिना टच के ही शरीर पे वर्क करते हैं. थैंक यू. Our teacher, the founder of modern pranic healing, Grandmaster Chua Kok Soi, took 30 years to do this research. And when we're dealing with cancer patients, this is our understanding, and this is what the premise that we work on, the premise of energy. Energy surrounding a person and the organs, the energy surrounding the person and the organs are affected. Now, this can be treated and healed for palliative patients. It's a curative method as well. How do we do this? We integrate methods. We use medicine, as in chemotherapy, radiation, and the second, energy healing. Thirdly, energy healing such as pranic healing. And thirdly, proper emotions and thoughts. What we feed our body with affects our organs. I repeat, the food we eat for the physical body, okay? And energetically, we have to look at our thoughts and our emotions, which affect our body. So the energy that goes with your thoughts and emotions do go a far way in helping with the healing process. प्राणिक हीलिंग ग्रैंड मास्टर चुआ कोक सोई फिलीपींस से थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था. ये जो इंडिया की बहुत ही पुरानी हीलिंग मोडालिटी है. प्राणिक हीलिंग मेडिसिन को रिप्लेस नहीं करता है, ये मेडिसिन को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि मेडिसिन भी एक तरह से उसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक प्राणा होता है. इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे फिजिकल बॉडी के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, वैसा ही हमारा जो एनर्जी बॉडी है जिस पर हमारे चक्रास वर्क करते हैं. तो हमने क्या देखा है लास्ट 30-35 साल में, जो रिसर्च हुआ है प्राणिक हीलिंग में, और 120 कंट्री में रिसर्च हुआ है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व इसमें हैं साइंटिफिक बैकग्राउंड से, उन्होंने क्या देखा है, जब कैंसर जैसी चीज़ें होती हैं, क्या होता है उसमें कि जो हमारा शरीर होता है वो उसके जो ऑर्गन्स बहुत सारे होते हैं, उसके अगल बगल बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी रहती है, बहुत सारी डिजीज़ एनर्जी रहती है, और कहीं ना कहीं डिजीज़ एनर्जी जो रहती है, जो कि बहुत सारे फैक्टर उसके होते हैं, पर एक मेजर फैक्टर होता है जहाँ पे कि हम जब बहुत एंग्री होते हैं, हम जैसे माइंड की बात की सर ने, हम जब बहुत एंग्री, बहुत नेगेटिव इमोशन हमारा रहता है, बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस हम लोग लाइफ से गो थ्रू करते हैं, ये जो एनर्जी होती है वो शरीर के उस अंग के अगल बगल रहती है और वो उसको भरी रहती है वहाँ पर. प्राणिक हीलिंग में हम क्या करते हैं, उस हम एनर्जी को वहाँ से रिमूव करते हैं, और जो फ्रेश प्राणा होता है, जो नेचुरल फ्रेश प्राणा जो पेड़ से आता है, जो सन से आता है, हम उसको वहाँ पर वो देते हैं. जैसे शरीर के उस पार्ट तक उस वो प्राणा पहुँचता है, वो पार्ट अपने आप जल्दी से हील करना स्टार्ट करता है. तो ये कॉम्प्लीमेंट करता है मेडिसिन को, ये कॉम्प्लीमेंट करता है बाकी और भी जो हीलिंग मोडालिटीज़ होती हैं. थैंक यू, ये बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया है. आप और कुछ बोलना चाहेंगी? So how does pranic healing deal with cancer cases? We're talking cancer cases in general, breast cancer included. What we use is advanced energy techniques to work at the root cause of the cancer. I repeat, root cause. Those are the key words. How did you get there? What happened? So however much your pranic healer is cleaning you on the surface, if you're emotionally plugged to something that is causing this energy to consistently be replenished, then we need to counsel you, all right? We need to advise you, talk to you about what is bothering you, look at your lifestyle, start introducing lifestyle changes. Yes, your pranic healer will heal you. Better still, we will recommend that you come and learn how to heal yourself. It's not difficult.
it's very easy. You just have to be 16 years of age and read, be able to read Hindi, English, whatever language it's being conducted in. So it's a very effective method. Now, when we look, going back to root cause of cancer, we're looking at emotions such as anger, okay? Low self-esteem, fear. These are the energies that feed cancer cells, right? So with the use of advanced pranic healing and pranic psychotherapy, along with the practice, very important, inner forgiveness. We have to inculcate inner forgiveness. And with this, this is trained, we're trained in our courses how to go about doing this. With these techniques, you can bring forth dramatic changes Avinash, and healing results. Explain kar sakte hain? So pranic healing mein bahut sare level hote hain jisme ki iska objective kya hai ki aapko khud ko train karna na ki koi aapko heal kare par aap khud bhi train ho sakte hain aur isme hota kya ki jo cancer ka root cause hota hai pehle ye vishwas tha ki hamara mind alag hai body alag hai koi connection nahi hai ab jo research aa rahi hai science mein positive psychology ho gaya psychoneuroimmunology ye sab jo field aa rahi hai ye kya keh rahi hai ki jo mind aur body बहुत ही इंटीग्रेटली कनेक्टेड है बहुत ही मजबूती से कनेक्शन हुआ है जो भी आप थॉट सोचते हो और जो भी आप इमोशन फील करते हो ये आपके बॉडी को इफेक्ट करती है जो बहुत सारे कैंसर पेशेंट होते हैं या बहुत सारे अलग बीमारियां भी होती हैं जो हमारा पास 5 साल पहले 10 साल पहले 15 साल पहले 20 साल पहले हम जो एक्सपीरियंसेस से गो थ्रू किए हैं कुछ डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस थे कुछ ट्रॉमा था वो सब हम आज भी कैरी कर रहे हैं और कहाँ कैरी कर रहे हैं शरीर के अंदर कैरी कर रहे हैं अब वो जो स्मॉल स्मॉल एक्सपीरियंसेस हम कैरी कर रहे हैं जिसमें इमोशनल चार्ज है जिसमें आप नेगेटिव फील कर रहे हो और वही आपको दोबारा और स्ट्रेस फील करवा रहा है कहीं ना कहीं वो सब सोर्स बन जाती है इन डिजीज़ को और फीड करने के लिए तो प्राणी के लिए हम क्या करते हैं जब आप हीलर के पास जाते हैं आपको हीलर हील करता है अदरवाइज आप खुद ये चीज़ 2 दिन में लर्न करके खुद को हील करना स्टार्ट करते हैं तो दिस इज़ हाउ ये इस तरह से प्राणिक हीलिंग वर्क करती है बहुत प्यारा सिस्टम है और बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन मेथड अब ये है और बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसको अपोलो हॉस्पिटल बैंगलोर हैदराबाद में डिपार्टमेंट्स हैं प्राणिक हीलिंग के चेन्नई में जहाँ पे कि अब डॉक्टर्स भी साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं थैंक यू अविनाश अच्छा हमने अभी बहुत ही बुद्धि के साथ जो लोग बोले हैं मगर हम कुछ क्वेश्चन पूछें बुद्धू ना बने तो आपकी बुद्धि लेके वी शुड नाउ Take all the knowledge because it is there, but how to apply it is up to us. Let us not feel that the treatments that our oncologists are giving us have to be set aside and we go suddenly into a new path. You must understand karein ki each one jo offer karta hai, wo individual ke liye hamare liye kya benefit layega, aur hum balance kaise karenge. So I would thank you, but I would want you to wait because I would like the audience to actually ask some questions which are interesting and would benefit everybody. So, mic hai audience mein? Haan, aap kuch yes. Marathi mein thoda bolna chahenge? Hindi mein? Okay, 1 minute. She's just explaining. So, main shuru karungi naturopathy se. शायद वो भी इंग्लिश में रहा था सो नेचुरोपैथी के बारे में उन्होंने कहा कि निसर्ग की तरफ वापस जाना नेचर की तरफ वापसी सो उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि नेचुरोपैथी का लोग ऐसे सोचते हैं कि पहले एलोपैथी होम्योपैथी तिरुपति और फिर नेचुरोपैथी ऐसे हो जाता है और नेचुरोपैथी के साथ योगा के बारे में उन्होंने कहा उपचार के लिए ज़रूरी है क्योंकि कैंसर एक ऐसा नाजुक शब्द है कि हम लोग उसके बारे में सोचते हैं तो इमीडिएटली मतलब तत्काल हम यमराज का ध्यान होता है हमें क्योंकि हमारे में जागरूकता नहीं है तो लगता है कि कैंसर तो अमीरों की बीमारी है या फिर योगा अगर करेंगे तो अमीरों का है हम लोग इसे ठीक से कर नहीं पाएंगे क्योंकि योगा हम लोग सोचते हैं कि शीर्षासन जैसे आसन है बड़े कठिन कठिन आसन है जो हम लोग नहीं कर पाएंगे ये कहते हैं कि योगा एक्चुअली मानसिक तनाव को मात करने के लिए है और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बीमारी का अगर सामना करना है तो मानसिक संतुलन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इस जब इस बीमारी से जाते हैं तो आप अलग प्रकार के दबाव रहते हैं आपके ऊपर एक तो संगोपनदाता की तरफ से भी एक दबाव होता है वो आपकी शायद इतनी ज़्यादा केयर करते हैं कि उसका एक ऐसा परिणाम होता है कि उससे भी आप ज़्यादा सोचने लगते हैं उसका भी एक मानसिक दबाव हो जाता है और ये दूर करने के लिए है आप योगा कर सकते हैं
आपका रिलीफ मिलने के लिए. योगा मतलब ये नहीं कि आपको पद्मासन करना है. ऐसे कई ब्रीदिंग टेक्निक्स, मतलब श्वास के सांस लेने के टेक्निक्स हैं, आपके कल्पना शक्ति के तंत्र हैं, ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं. नेचुरोपैथी के बारे में बात करें, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र लोगों में, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उन लोगों में उपवास करने की जो ये रीति है, उपवास करना अच्छा है, लेकिन हम लोग वो जब ऐसे कहते कि मैं बात करता हूँ, तो वो कहते कि हम साबूदाना खाते हैं, जो सही नहीं है. मतलब ये उपवास करने का सही तरीका नहीं है. उन्होंने कहा कि ये अपना शरीर जो है, या अपना पेट जो है, कस्टमर केयर की तरह है, जो 24 घंटे चलता है, 7 दिन चलता है. आप जो खाएंगे उसका जवाब आपको पूरे वक्त मिलता रहेगा. तो आजकल जो उन्होंने कहा कि ड्राइंग रूम का खाना, मतलब हम लोग डाइनिंग रूम से ड्राइंग रूम में आ गए. अगर आप टीवी पे देख रहे होंगे तो आप तभी भी कुछ खा रहे होंगे, मतलब आप जग रहे हैं तो आप कुछ खा रहे हैं. तो खाने का कोई ठीक समय नहीं है, जो कि गलत है. तो ये क्या करते हैं कि मरीज को बिठा के उससे बातचीत करते हैं, उसकी जीवन शैली के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं और बदलाव की सलाह देते हैं. उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही है कि योगा बीमारी से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में है. और ये कहते वो कह रहे हैं कि एक छोटा सत्र इसके लिए बहुत कम है पूरी बातचीत करने के लिए. वाह, इतने अच्छी तरह क्लियरली यू हैव एक्सप्लेन द होल थिंग. अच्छा, आपने कुछ पूछना है? माइक यहाँ आ सकता है. I would like to mention to the panel here that in this the latest book about from Mayo Hospital, Mayo Clinic, Emotion and Breast Cancer. And with my experience of 7 years working with women, I think emotion plays a really very major role in breast cancer. The question which I want to ask the Ayurveda is detox after chemotherapy. Can you just comment about that? Yeah, basically maine ye kaha tha na ki basically after chemotherapy, jo chemotherapy ki toxicity hui hai body mein usko nikal. But let him explain it. Yeah, basically after chemotherapy, whatever toxins are in your body due to the chemical or chemotherapy drugs, that you can reduce after ayurvedic, with the ayurvedic treatment, with the panchakarma therapy. Like you can go for snehan, swedan, that massage therapy and other therapy. You might not know about bhakti, Virechan, woman and all these things. These are the karmas which we can use after maybe chemotherapy or allopathy treatment, which can definitely help for detoxify the body. Ye panchakarma ka basic concept hai. Actually, all systems may be, homeopathy yeah, may be, every yoga may be, to detox the body. Yeah. Naturopathy may be, there are many different ways of doing yeah. it. Even foods, juices, exactly. change of diet, you can actually flush yeah, out toxins. Yeah, basically, इन्होंने भी कहा मन जिसको important है, इसमें भी importance है मानस शास्त्र का. क्योंकि अगर आपका मन नहीं रहेगा तो आप कुछ भी करोगे तो आपको अच्छा लगेगा नहीं. So if you have to be prepared for this thing, आपको अच्छा लगना चाहिए. कुछ भी बात करने के पहले अगर आप उसके लिए prepare होना चाहिए, yes, मुझे ये चीज़ करनी है. Cancer therapy में भी counseling is very important. कोई भी पेशेंट है, अगर जो हमने यहाँ बैठे हुए लोग है पेशेंट से, जो हर पेशेंट अपने खुद से यस मुझे कैंसर हुआ है, मैं लड़ूंगा इसके लिए, उसकी ट्रीटमेंट एकदम आसान हो जाती है. और जो रोते हैं हमेशा मुझे क्यों हुआ कैंसर, अभी हुआ है तो उसके आगे ट्रीटमेंट ले लो, उसको लेके बैठोगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला. तो आपका मन पहले बी प्रिपेयर फर्स्ट यस नाउ आई हैव डायग्नोस कैंसर, नाउ आई हैव टू फाइट इट एंड आई हैव टू गो इट फॉर दिस. तो अगर मन आपका शांत रहेगा तो आप कोई भी चीज़, भले वो खाने की चीज़ हो या कुछ खेलने कूदने की चीज़ हो, आपको अच्छा लगेगा नहीं. तो मानस, मतलब मन कंट्रोल जो है, माइंड कंट्रोल जो कहा था इन्होंने योगा में भी, वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच. क्वेश्चन, एक मिनट, वुड यू लाइक टू आस्क? वहाँ एक माइक देर. हाँ, नमस्ते. जरा जोर से बोले. हेलो, इज दैट ओके? नमस्ते, मैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट से पूछना चाहूँगी. आपने अभी बताया कि जो हम आमतौर पे जो उपास करते हैं वो ठीक तरह से नहीं करते, जो साबूदाना खाते या कोई दूसरी चीज़ें खाते, किस तरह का उपास करना चाहिए? मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि फास्टिंग इज़ वेरी गुड फॉर कैंसर. तो आप बता सकते हैं कितनी बार, शायद हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार उपास करना चाहिए, और किस तरह का उपास करना चाहिए और क्यों? Explain that first. Actually,
Fasting is something, it's like there is no pharmacy company backup for fasting. It is not promoted in that way what it is needed. Because fasting doesn't need money. It is in your kitchen, your own money. You can fast at your home. And fasting is something like short-term fasting. Like short-term fasting, matlab jaise ki महाराष्ट्र में हम लोग जो ऐसा उपवास करते हैं जैसे कि इन द नेम ऑफ डिफरेंट गॉड्स, एक दिन शिवा का, एक दिन पार्वती और जो भी है. सो इट इज़ एक्चुअली द रिलीजियन सच थिंग्स आर केप्ट फॉर अ हेल्थ रीजन ऑल्सो. सो हमारा बॉडी में जो नॉर्मल फिजियोलॉजी जो होता है, हम जस्ट फीडिंग करते हैं. जब खाते हैं हमारा बॉडी में देर इज अ पाथवे कॉल्ड एमटोर पाथवे विच इज ऑलवेज एक्टिवेटेड वेन वी आर फीडिंग. वेन वी आर ईटिंग दिस एमटोर पाथवे इज एक्टिवेटेड एंड अवर बॉडी का जो वेस्ट डेब्रिस जो होता है, जैसे कि बॉडी का एक सेल का अंदर बहुत सारा चीज़ रहता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, लाइक बहुत सारा चीज़ रहता है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट कह जाते हैं उसको. उसको क्लीन करने के लिए बॉडी को ऑटोफेजी करके एक मैकेनिज्म शुरू करना है. सो वो ऑटोफेजी मैकेनिज्म शुरू करने के लिए एमटोर पाथवे जो है वो बंद होना चाहिए. सो एमटोर पाथवे कैनॉट बी स्टॉप्ड व्हेन वी आर ईटिंग. व्हेन वी आर कीप ऑन ईटिंग, व्हेन वी आर फीडिंग आवर सेल्फ, दिस एमटोर पाथवे विल बी कीपिंग ऑन एक्टिवेटेड. सो महीने में एक बार नहीं तो हफ्ते में एक बार जब उपवास करने के टाइम देर इज अ बॉडी इज गिवन अ चांस टू हील इटसेल्फ. सो तभी क्या हो जाता है, बॉडी में जो एमटोर पाथवे बंद हो जाता है, देर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोफेजी मैकेनिज्म, लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर ओन मेटाबॉलिक वेस्ट. सो ये पूरा मेटाबॉलिक वेस्ट का ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बॉडी को एक दिन मिलता है. सो फास्टिंग ए कि जैसे कि अच्छा चीज़ खा के फास्टिंग, जैसे कि इट इज़ ऑल अबाउट इन कन्वेंशनल टर्म फास्टिंग इज कॉल्ड अस कैलोरी रेस्ट्रिक्शन. जैसे कि नॉर्मली इफ यू आर ए वाइट कॉलर जॉब पर्सन, सो यू नीड अराउंड 1500 कैलोरीज पर डे. सो वो 1500 कैलोरीज हम जब फास्टिंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव टू जस्ट डोंट ईट एंड डू वर्क, शाउट एट पीपल एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट. इट इज़ नॉट लाइक फास्टिंग इज नॉट अबाउट ओनली पेट का रेस्ट. फास्टिंग इज मेंटल, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेंसरी रेस्ट. सो इट इज लाइक यू हैव टू हैव in our home, obviously all will be working. So Sunday is the day which we are at home, off day. So उस दिन अच्छे से मटन चिकन बना के खा लेते पूरा पेट भर के. So that is the ideal day because you can't fast while doing work because your boss will be irritating you or your wife will be irritating you, your husband will be irritating you. That is not the day to fast. There should be some sensory rest, some mental rest, some physical rest. So ideally an off day it is better to fast. So तभी calorie restriction जो बोला है. So बॉडी को ईजिली डाइजेस्टेबल चीज़ों हमको देना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ बॉल ऑफ राइस, द कैलरीज मोर, इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, बॉडी हैज़ टू पुट सम एफर्ट टू डाइजेस्ट इट एंड टेक इट अवे. बट द सेम थिंग इफ यू सब्स्टिट्यूट योर सेल्फ विद अ प्लेट ऑफ सैलड और सम फ्रूट्स और सम फ्रूट जूस, आई वोंट से बिकॉज एक ग्लास एप्पल जूस बनाने के लिए चार एप्पल लगता है, बट एक एप्पल खाने में उतना जूस हमको वी विल नॉट गेट दैट मच कैलोरी. सो इट इज ऑलवेज आइडियल टू हैव सम फ्रूट डाइट और सम पोमीग्रेनेट. यूजुअली पोमीग्रेनेट इज द बेस्ट फ्रूट बट वी विल अवॉइड बिकॉज वी हैव टू ओपन दैट ऑल दो स्टफ कम आउट इट टेक इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट जब डाइट करो तो यू शुड डू इट ऑन अ डे वेयर देयर इज नोबडी अराउंड, अकेला बैठो लाइट ऑफ करके. तो करवा चौथ का दिन बिल्कुल नहीं करना क्यों, जो मियाँ रात को आएगा उसका तो सिर खा लेंगे, दिन को खाया नहीं खाना और रात को सिर खाएंगे उसका. नॉट टू स्पीक अबाउट दैट, एक्चुअली डाइट इज समथिंग विच फॉरगेट बिकॉज वी थिंक मेडिसिन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, वी कैन जस्ट डू वॉट एवर वी वॉन्ट. इट इज नॉट लाइक दैट इन दैट वे. सो फास्टिंग मतलब जैसे कि साबुदाना क्यों नहीं खाना, बिकॉज साबुदाना इज अ काइंड ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट विच वी विल बी गेटिंग. इफ यू सी द वे हाउ साबुदाना इज प्रिपेयर्ड यू विल नेवर ईट. नहीं नहीं, डोंट स्टार्ट विद दैट बिकॉज हम सब साबुदाना खिचड़ी खाते हैं. थैंक यू वेरी मच. आई वांट टू से समथिंग, इट्स नॉट अ क्वेश्चन. टुडे इट इज अ जनरली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट स्पेशली इन द मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑल्सो दैट काउंसिलिंग हेल्प्स अ लॉट इन द सक्सेस रेट ऑफ क्योर. सो मच सो दैट इट इज़ प्रोवाइडेड एक्टिवली इन द हॉस्पिटल्स बिकॉज इट हेल्प्स नॉट ओनली द पेशेंट इवन द डॉक्टर टू मैनेज द डिजीज. सिमिलरली इन योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इवन डॉक्टर्स एक्सेप्ट दैट दिस इज अ वेरी हेल्पफुल पार्ट ऑफ द क्योर. Yet this is not proactively provided, so and patients fall prey to myths. So I feel that if it is proactively provided, an initiative is not left to the patient in the hospitals and things, it would help. Thank you, but we have definitely proactively provided. Yeah, we are doing it for you here today, so that it sparks your interest and you go back to your
doctors, oncologists, hospitals and say, bhai, I'm very interested in the results that Ayurveda, homeopathy, yoga, Vedanta, let us bring it in. This is how in Tata Hospital we brought it in. Now it's up to you people. This is the reason we have exposed you to these wonderful complementary systems of healing. Acha, one last question. Hello. Jor se. I'm Mrs. Sharda Rane. We came from Mumbai. Sanjeevani Wellness Center group, they have brought us here. I want to ask the yoga expert about the, he told about the breathing exercise. Some tells that the, you have to tell this Om 5 times or 10 times. And morning time only, or the evening time. So there is a very confusion. Can you tell about it something? Are you talking about the sound? Which type of the exercise, breathing exercise is useful for us, beneficial for us? That one. Okay. So actually, it is nothing like that you should have in the morning or in the evening or in the afternoon. It is about, ideally yoga is practiced in the empty stomach or 1.5 hours after food. So that is a basic thing because, you see, when I'm speaking, if you had a cup of tea and some biscuits, you will not feel like listening to me. And body will not listen to whatever you are doing. But we've all had cup of tea, does someone come. So it is basically, you should be having the consciousness. It is not about looking at the kitchen and doing pranayama. It is looking at your body and doing pranayama. So it is ideally, there is no time specific. Iska matlab hai ki 10 baje aake bed mein karna hai. Nothing should be extremist, the things we should not be doing. It should be like you should find some time and which kind of pranayama, as already I told, as sir was discussing with me, it is not every time the particular medicine for the particular person. So some people will be finding it difficult to place their finger in the nose, which finger I should feast. So it is not about that. There are certain techniques, the breathing techniques, if Brahmari pranayam or Nadi Shuddhi pranayam, whatever pranayam you are doing, it is all about how you are comfortable, how your body is comfortable with a particular practice. It is not about the kind of practice. Research is just now came, research, so many researches. I am also a research officer. But yoga is there 100 years back. We have not taken it. We need a Modi to bring yoga back to us. So it is not. Now, thank you. I think before we end this very, very wonderful session, I'm going to request, we have experts on this stage. We have pranic healers. We have people here who would be very grateful to receive the healing. I'm a Reiki master. I'm going to request the pranic healers and all of you to please stand up and let us give healing to everybody who's here just now. Can I request you? Yes. So come. अपना लेग्स और हैंड्स को ना अनक्रॉस कर लें आप लोग लेग्स और हैंड को अनक्रॉस कर लें ऐसे हाथ रखें इस तरह यू कैन एक्चुअली पुट योर हैंड्स ऑन योर लैप्स फेसिंग अपवर्ड्स दैट्स हाउ यू आर इन रिसेप्टिव मोड लाइक दिस नो प्लीज एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डू Yeah, we'll do that. Yeah, we'll do it through invocation, through prayer. You can relax, inhale slowly, exhale slowly and comfortably. Inhale slowly and comfortably. Your arms are uncrossed, legs uncrossed. Be as receptive as you can be. Inhale, exhale. Inhale slowly, exhale slowly. हम विजुलाइज कर सकते हैं कि जो जिस भी भगवान को मानते हैं भगवान से बहुत सारी वाइट कलर की उज्जवल कलर की लाइट नीचे आ रही है और आपके शरीर को फिलअप कर रही है शरीर को भर रही है जहाँ जहाँ आपके शरीर में कुछ पेन है आप विजुलाइज करें ये इमेजिन करें मन में देखें आप कि लाइट नीचे आ रही है और जो यूनिवर्स का लाइट है सृष्टि का जो एनर्जी है प्राणा नीचे आ रही है और आपके पूरे शरीर को फिलअप करते जा रही है सर से लेकर गले से लेकर चेस्ट हाथ बैक में स्टमक पेट साइड आपके पैरों में ये लाइट फिलअप कर रही है और आपके शरीर से सारी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं नेगेटिव इमोशन हैं विचार हैं
जितना भी पेन आपने गो थ्रू किया है सब कुछ निकाल के वो आपके पैरों से नीचे मदर अर्थ में जा रही है, अर्थ के अंदर वो जाते जा रही है, और आप बहुत ही ज़्यादा आप क्लीन हो चुके हो, सारे शरीर की बीमारी आपकी जा चुकी हैं, और जैसे आप सांस ले रहे हो, जब सांस छोड़ रहे हो तो सांस आप मुंह से छोड़ें और सारा जो पेन है उसको मुंह से आप ज़ोर से बाहर फेंकें करके, फिर एक लंबा सांस लें, बहुत लंबा सांस लें, सांस को रोक लें, जहाँ भी शरीर में दर्द है पेन है उसको लेके इंटेंशन रखें कि मुंह से हम उसको बाहर निकाल रहे हैं। एक बार और करें इस चीज़ को, लंबा सांस लें और अपने मुंह से सांस को बाहर की तरफ निकाल दें, और विजुलाइज करिए आपका शरीर का सारा जो अंग है, सारा ऑर्गन्स है शरीर का, जो पार्ट है बहुत ही उसमें लाइट आ चुकी है, बहुत ही शरीर अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो गया है, शरीर का कैपेसिटी है खुद को हील करना और शरीर खुद ब खुद ठीक होते जा रहा है, और जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान को आप धन्यवाद करें, धन्यवाद इस हीलिंग के लिए भगवान, धन्यवाद मेरे शरीर को ठीक करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए, धन्यवाद मेरे फैमिली को, मेरे जो परिवार वाले उनको ठीक करने के लिए, और मेरी लाइफ में बहुत सारी वृद्धि, बहुत सारा खुशी, स्वस्थ शरीर, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा अबंडेंस, और राइट सही मार्ग दिखाने के लिए भगवान हम आपका धन्यवाद करते हैं। मन में आप बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर ऑल द हीलिंग एंड आई एम हील। आप बोल सकते हैं कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, ये आप बोलते रहे मन में, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, शरीर हमारी मन की बात को सुनता है, आप मन में ये बोले मन में कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होते जा रहा है और स्वस्थ हो चुका है, ये मन में आप रिपीट करते रहें इस बात को जितनी बार कर सकते हैं। Thank you very much. We'd like to give a token of our appreciation to all our panelists. Rebecca, could you kindly do the needful? Yes, please. These are little tokens of appreciation made by our survivors. We coined a new word this morning, inspirers. Thank you very much. Devika ma'am ko bhi de dena. Aur main soch rahi hu ki Radhika ne itna acha job kiya. Wo sunte hi wo barabar words likh leti hai, fir chahe aap hindi bolo ya marathi bolo ya angrezi bolo, aise fatafat explanation deti hai without losing the essence. मैडम इनको भी एक गिफ्ट दे दीजिए, एवरीबॉडी फॉर राधिका, थैंक यू। आज की अंतिम पैनल जो है वो है व्हाट आर माय राइट्स एंड ड्यूटीज एज अ सर्वाइवर। वी हैव डॉक्टर सेल्वी राधाकृष्णा, a consultant oncoplastic breast surgeon practicing at Apollo Speciality Hospital and Chennai Breast Center. She has a number of publications as is involved in research and education activities. She specializes in various breast surgeries including breast conservation surgery, sentinel lymph node biopsy, modified radical mastectomy and various oncoplastic breast techniques. Ma'am, I got a chance to use all the pronunciations and get them right. We have Mr. Deepak Patwardhan, who has been practicing law for 37 years, mainly in the civil corporate law, and he's part of an ethics committee in clinical trials, stem cell and organ transplant. Please, Mr. Deepak Patwardhan. We have Ms. Padma Shahane, who's a chartered accountant, extremely knowledgeable about the tax benefits for cancer patients. Ma'am, you are very important to us. And a tax consultant for the NAG Foundation, Pune. We have Dr. Sriram Inandar, who will come back on stage but will not get a second gift, who is an expert at clinical trials. We have Mr. Shashikant Fattare, General Manager, HRKK Nag Private Limited, experience of 18 years in IT and non-IT industry in the area of training, performance management, industrial relations, employee welfare, HR management. We have Mr. Subir Chopra, General Manager, Marketing Alchem, and we have the gentleman who appeared first on black and white television, Dr. Sudeep Gupta. You remember na, in the morning I showed you a picture on television, moderator for this session. Thank you very much. Dhanyavad Samira ji for that kind introduction to all of us, and on behalf of all the panelists I thank you. Bataiye.
अच्छा देखिए, अभी प्राणिक हीलिंग योगा उनकी ऊंचाइयों से जरा धरती पर उतरते हैं वापस, कुछ थोड़ी प्रैक्टिकल रोजमर्रा की बातों पर गौर फरमाते हैं. सो मे बी विल टॉक इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. एंड वी हैव एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स. यू ऑल हर्ड देयर, आपने इनका इंट्रोडक्शन सुन लिया है. ये बहुत माहिर ब्रेस्ट कैंसर की सर्जन है. वी हैव एक्सपर्ट्स फ्रॉम लॉ, टैक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फार्मास्यूटिकल कंपनी. तो आप सब का थोड़ा हमें कोऑपरेशन चाहिए बताने के लिए. और हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जो थीम है इस पैनल डिस्कशन की, कि जो ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं या कोई भी कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनके क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं. तो मैं शुरू करूँगा आपसे, डॉक्टर सेल्वी. आप बताएं, आप यू रन अ वेरी बिजी एंड अ वेरी स्पेशलाइज्ड ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक. सो हाउ डू यू एडवोकेट फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट्स ऑफ योर पेशेंट्स, एंड व्हाट डू यू थिंक आर द राइट्स ऑफ योर पेशेंट्स दैट आर वर्थ फाइटिंग फॉर? Information, basically. I think everybody who gone are the days where, you know, doctors' words are considered as words from God and you're not allowed to question God. So now it's an age of information. Everything is available on the net. So the rights being that you need to know what is, you know, the facts about the disease, the options regarding the treatment, and then you equally participate in the decision-making process. So that is that is a right that we need to give them. And then the responsibility is, you know, I mean, I must mention this. एक मिनट, responsibility से पहले मैं अनुवाद कर दूं हिंदी में जो इन्होंने अंग्रेजी में बोला. इन्होंने कहा कि एक modified right to information act cancer patients का भी है, और वो right ये है कि आपको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए आपके बीमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, और क्या क्या हो सकता है. और ये डॉक्टर और सारे हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो भी आपका ट्रीटमेंट करते हैं, ये उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका उत्तरदायित्व है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें. और ये इन्फॉर्मेशन मांगने में आप बिल्कुल भी मत हिचकें. So the responsibility from the patient, you know, in, like I said, information is available at the click of a button now. The thing is, if you were to consult the Google doctor list A to Z. The problem with that is, information is there, but you need to know how to process that information, which is a skill that you lack. You need to do 10 years or 15 years of medicine to process that information. So that is where, you know, your actual doctor helps. So this confusing that Google doctor with your real doctor consultation is something that the patient should avoid. And two, seeking a second opinion is your right. But at the same time, shopping amongst different doctors. I've had patients who come, you know, they won't tell what they've had. They'll put it under the table. And then you tell them, and then they'll cross-check whether you're saying what you're saying is correct or not as compared to Dr. X or Dr. Y. Those are all a little irresponsible. Seeking a second opinion is your right. But confusing with many opinions is actually detrimental. अच्छा देखिए, इन्होंने ये बोला कि अगर आपको एक डॉक्टर की सलाह मिल चुकी है तो ये आपका राइट है कि आप एक दूसरे डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं. लेकिन उसके साथ साथ कई सारे डिफरेंट डॉक्टर्स के बीच में जो इन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में शॉपिंग बोला, वो मत करिए, क्योंकि कई बार उससे उसका जो रिजल्ट है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है. एक मैं आप सबसे हाथ खड़े करके एक पोल लेना चाहूँगा. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट के ऊपर जाके कैंसर या किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं? हाथ उठाइए. तो करीब करीब 20% इस गैदरिंग का, या 25%. ठीक है, ओके. तो इन्होंने डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि क्या पेशेंट्स के राइट्स हैं और क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो आप तो एक लॉयर हैं और आपकी आपको लॉ की काफ़ी जानकारी है. आप बताएं कि कैंसर रोगियों के लिए, या जो उससे उभर चुके हैं, जो ठीक हो चुके हैं, उनके पास क्या क्या राइट्स हैं अंडर द इंडियन लॉ? ऐसे कुछ अलग कोई राइट्स नहीं है. जैसा कोई आम आदमी है, आपके राइट्स वैसे ही है, और हमको हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो ये प्रोटेक्शन जो है, जैसे हम आज एक साइड डॉक्टर है और दूसरे साइड टैक्स अथॉरिटीज़ है जो हमसे लेते हैं, और हमारे लाइफ को सिक्योर करने के लिए हमको इंश्योरेंस लाना चाहिए.
नॉमिनेशंस करना चाहिए जिधर हमारे प्रॉपर्टीज है, ये चीज़ हमारा विल करना चाहिए, जैसे कि कोई भी आम आदमी करना चाहिए जो क्या बस प्रॉपर्टी है, एस्टेट है, तो यानी आपको या आपके लीगल एयर्स को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपके राइट्स में ये भी आता है कि कोई कंसेशंस है जिधर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, या प्राइसिंग कंट्रोल एक्ट है, ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल एक्ट, जिधर आपको ये जो मेडिसिन है कंसेशनल रेट्स पे मिलते हैं, गवर्नमेंट ने कोई कैप्स लगाए हैं इसके ऊपर। अच्छा ये बताइए कि इंडिया में जो राइट टू हेल्थ है ये राइट टू लाइफ के अंडर आता है या कैसा है? मतलब अगर कोई सपोज़ कोई ऐसा पेशेंट है जिसके पास इतना पैसा नहीं है खर्चा करने को, तो क्या वो कोर्ट में दावा कर सकता है कि मेरे को तो ट्रीटमेंट होना चाहिए फ्री? थियोरेटिकली ये तो बराबर है, राइट टू हेल्थ है सबको, और अभी काफ़ी सरकारों ने काफ़ी स्टेट ने तो इंश्योरेंस भी दिया है हर एक नागरिक को, तो ये आपको मिलना तो चाहिए। बट लेकिन लीगल सिस्टम तो आपको सबको मालूम है कि जुडिशियल सिस्टम जैसा चलना चाहिए चलता नहीं है। ओके तो ये सिर्फ जुडिशियल सिस्टम की बात नहीं है, हमारे जो दूसरे जो अंग हैं हमारे हमारे रिपब्लिक के, हमारे कंट्री के, उनको भी मेरे को लगता है इसमें सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि एक 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 तो चीज़ है कोर्ट में केस करना है, लेकिन दूसरी चीज़ है कि किसी भी सुविधा का उपलब्ध होना उन लोगों को जिसको उसकी ज़रूरत है, जिनको उसका राइट है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, जहाँ तक मेरी समझ है, that is that can be construed as a fundamental right of Indian citizens at least under the right to life. To you're right, you're right. मैं वैसे lawyer नहीं हूँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही है। नहीं ऐसा तो है, किताबों में तो जरूर है और constitution में भी है, but ये मिलता है कि नहीं ये बड़ा question है, शायद cities में मिलता हो। अभी मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, उधर तो medical treatment is totally free, which I was quite surprised. And you dial 1800 and an ambulance will come to your door and charge you 8 paise per kilometer. I don't think that happens in Maharashtra or so many states. So some states are very proactive and काफी कुछ करना चाहते हैं हमारे लोगों के लिए, कोई लोग नहीं कर रहे। ठीक है, आप में से किसी का कोई सवाल है? ये बहुत ज्ञाता है लॉ के, तो अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज इंटरप्ट करिए, बताइए, अगर बीच में कुछ भी पूछना हो तो पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मिस्टर सुबीर चोपड़ा, ये एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है एल्केम, ये उसमें जनरल मैनेजर हैं, तो आपका धन्यवाद, आप भी आए स्टेज पर, मैंने आपको आखिरी मोमेंट पे इनवाइट किया। तो आप ये बताइए कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का क्या उत्तरदायित्व है पेशेंट्स के प्रति, उनको क्या करना चाहिए? और इन्होंने अभी एक ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के बारे में जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है ये अच्छी चीज है, करना चाहिए कि नहीं करना नहीं। चाहिए ऐसे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों के बारे में? नहीं ये तो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। देखिए इंडिया में इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन है, और हम लोगों का तो ये बेसिकली एक उत्तरदायित्व ही है एज अ कंपनी टू सर्विस मोर पेशेंट एट यू नो अफोर्डेबल रेट, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप दवाइयों की कीमत देखेंगे वो बहुत किसी की ज़्यादा है, और गवर्नमेंट इसमें काफ़ी हेल्प भी कर रही है, जो DPCO नया वाला आया भी है उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ने कोट करके उसका काफ़ी कंट्रोल हुआ है। तो हम लोगों का ये एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो हम एक ड्रग का प्राइस जो भी हम लेके आए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को वो दे सकें वो, और डॉक्टर को भी हेल्प लेके वो एक्सटेंड कर सके उन ड्रग का बेनिफिट ज़्यादा केसेस में। और एक चीज़ और है जो हम लोग एक जो काम कर रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट है कि कैसे कैंसर पर्टिकुलरली एजुकेशन इन पेशेंट्स को कराया जाए। तो हम कई सारे प्लेटफॉर्म्स होता है जैसे कि हेल्थ टॉक्स करवाते हैं कई जगह, अवेयरनेस कैंप्स भी लगवाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ वेरियस डॉक्टर्स वी यू नो कॉल द पेशेंट्स। सो वन ऑफ दीज थिंग्स विच वी आर रेगुलरली डूइंग अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो आर देयर वर्किंग ऑन जैसे पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम, कि ड्रग जो है बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे डॉक्टर ने रिकमेंड किया लेकिन पेशेंट उस तरीके से ख़रीद नहीं पाता, तो हम सपोर्ट भी करते हैं रिकमेंडेशन डॉक्टर्स की, तो पर्टिकुलर पेशेंट्स को ये भी करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम रेगुलरली करते रहते हैं। चलिए अच्छा है आपने ये से, हाँ बोलिए डॉक्टर शिल्पा कुछ कहना चाहेंगे, इनको एक माइक दीजिए प्लीज़। नहीं नहीं आप
कि आवाज माइक में नहीं आ रही, देखिए चल रहा है आपका माइक? Can you hear me? हाँ, अभी हाँ, आप सुन सकते हैं, आपको बताइए। Actually, the legal aspect, कि a lot of my patients who are working will come and ask, you know, कि is there any kind of special leave that can be asked for patients of cancer? And a lot of times there is a kind of, you know, log, there's a subtle push कि अभी आपको cancer हो गया है, आप you know, you resign करो, या आप you know, उतना दे नहीं पाओगे, and slowly those patient people are sidelined. So I want to actually know what are the rights of cancer survivors. आपने बहुत important और बहुत एक अहम मुद्दे की बात किया, जो कि हम अपने human resource वाले expert से बात करेंगे. आप जरा बताएं, तो एक मिनट, आपके सवाल का जवाब के जवाब से पहले जो इन्होंने फार्मास्यूटिकल के बारे में बोला उसको एक मिनट खत्म कर लेते हैं, फिर आपके सवाल का जवाब भी उनसे मांगते हैं. तो ये बताइए, आप में से जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उसमें से कितनों को लगता है कि हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में कैंसर का इलाज बहुत महंगा है? सुबीर जी, आपकी ही अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, वो डॉक्टर अनुपमा माने ने तो दोनों हाथ ऊपर उठा दिए. अच्छा, देखिए, ये तो बोलते हैं कि जो है बहुत महंगा है, और जो गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं, ड्रग प्राइस कंट्रोल, और आपकी कंपनी तो इंडियन कंपनी है, उसने इतने काम किए हैं, तो ये तो सब बोलते हैं कि बहुत महंगा. और हमें पता भी नहीं चलता कि कौन से मेडिसिन की कीमत कम हो गई है, कौन सी ज़्यादा हो गई है. हम जब जाते हैं डॉक्टर, हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, हम दुकान में जाते हैं, वो मेडिसिन के वो जो बिल देता है वो हम लेते हैं. ये इन्होंने और भी बहुत अच्छी बात कही. आप बैठिए जरा, मैं आपका अनुवाद करता हूँ सबके लिए. तो देखिए, ये तो हम सबको लगता है, मेरे को लगता है 98% लोगों को यहाँ पर लगता है कि इलाज बहुत महंगा है. अब सवाल ये है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? आपको लगता है ये डॉक्टर्स की वजह से है? जरा हाथ ऊपर उठाइए, मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. बताइए बताइए, कोई शर्माइए नहीं. अच्छा, डॉक्टर्स की वजह से एक दो लोग सिर्फ, वो मेरे को लगता है हिचकिचा रहे हैं. अच्छा बताइए, हॉस्पिटल्स की वजह से कितनों को लगता है कि बहुत महंगा इलाज है? ये देखिए, करीब करीब 95%. अच्छा, हाथ नीचे करिए. अभी बताइए, आपको क्या लगता है कि दवाइयों के महंगे होने की वजह से, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की वजह से कितनों को लगता है? वो भी काफी हैं. तो मुझे लगता है डॉक्टर तो बच गए इस पोलिंग में. लेकिन वो क्या है कि अभी आप लोग हिचकिचा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हॉस्पिटल्स तो डॉक्टर सेल्वी, आपको क्या लगता है, ये everybody is concerned that hospitals are overcharging and healthcare is not accessible. What is your thought on that? फिर आपसे मैं pharmaceutical के बारे में पूछूंगा. I'm just waiting to be accused that doctors are also overcharging. अच्छा देखिए, अभी बोल ही दिया उन्होंने जो मन की बात थी, पर आप बताइए इसके बारे में क्या किया जा सकता है. उसके बाद डॉक्टर रमेश सरीन से पूछेंगे कि उनका क्या सॉल्यूशन है. बताइए. Everything is expensive these days. You know, how many women go to beauty parlors these days? No, I don't believe this. There's only a few there. I don't believe. See, all. So we are willing to pay month on month a fair amount of money looking after ourselves, how we look, isn't it? You know, pedicure, manicure, facials, haircut, hair coloring, and many. So, you know, when it comes to healthcare, there's a lot of work that goes on, you know, for as far as a doctor is concerned, in terms of number of years they put in training, number of hours they put in work, amount of responsibility that they take. So there is a doctor fee and there is a hospital fee, because to provide you that infrastructure, the hospital does have to, you know, there's a lot of issues in maintaining a hospital. Equipment, you know, much as we say we make in India, most of our medical equipment comes from abroad. You know, what is the kind of duty we pay now? 19%. And 2 years warranty they will give. And the third year, you have to pay 30% of the machine's cost to maintain the machine. Otherwise, if it breaks down, we can't use it. And these machines runs into crores. So there are lots of issues. ठीक है, आई थिंक आपने ठीक बताया. इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है जिसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है कि जो मॉडर्न हेल्थ केयर है उसमें इक्विपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें काफ़ी पैसा लगता है,
और किसी भी हॉस्पिटल को चलाने में काफ़ी खर्चा आता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, आपने ब्यूटी पार्लर बोला, ब्यूटी पार्लर या फिर कार खरीदना किसी की चॉइस हो सकती है, लेकिन जब हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम है तो यू आर अ कैप्टिव कस्टमर, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो उसको एक अलग पेडेस्टल पर रखना पड़ेगा, बिकॉज यू नो द पुअर कस्टमर डजंट हैव अ चॉइस, ही और शी हैज टू यू नो गो। सो इसके लिए हम लोग टाटा हॉस्पिटल में एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जनवरी में, जो कि मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। उस कॉन्फ्रेंस का नाम है हेल्थ केयर, इज इट अ बेसिक ह्यूमन राइट और अ कमोडिटी। तो हम लोग उस कॉन्फ्रेंस में इसी बात पे चर्चा करेंगे कि हेल्थ केयर एक राइट होना चाहिए या फिर एक कमोडिटी। तो सुबीर जी, आप बताएं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी काफ़ी कटघरे में हैं इस समय, तो उनके बारे में आप कुछ बोलें कि वो क्या कहना चाहती हैं। अगर आप देखेंगे कि जो भी इंडियन कंपनीज़ हैं और DPCO के बाद, क्योंकि जो ज़्यादातर कैंसर की दवाइयां हैं वो मेजर स्टॉकिस से ही लेते हैं, तो वो अगर आप देखेंगे उसमें डिस्काउंट रहता ही है। और इवन हॉस्पिटल में भी लाइक टाटा, देर इज़ अ हाईली डिस्काउंटेड प्राइस विच इज़ देयर। सो आई थिंक वो तो, और पर्टिकुलरली फ्रॉम आर साइड वॉट एवर बेस्ट वी कैन डू, तो इन टर्म्स ऑफ प्राइजिंग हम इसको काफ़ी मैनेज कर रहे हैं। और गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो जिस तरीके से वी सी, जब तक हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम्स भी बढ़ा के और प्राइसेस कम आएंगी, तो गवर्नमेंट ने, अगर आप देखेंगे कि अभी पिछले 3 सालों में जो सबसे ज़्यादा DPCO का हुआ है वो कैंसर पे ही हुआ है, जिसमें कि ऑलमोस्ट रिडक्शन ऑफ 30% 40% ऑन द MRPs, तो हमें प्राइस तो ऑटोमेटिकली वो डीरेगुलेट हो ही जाता है, वो कम हुआ है प्राइस। चलिए, इन्होंने ठीक बोला। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जानकारी दे दूँ कि सारी दुनिया के मुकाबले में अपनी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने इतनी अच्छी दवाइयाँ इतने कम दामों पे बनाई हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली दवाइयों का दाम दुनिया में सबसे कम है। और इंडिया को बोलते हैं दैट इट प्रोवाइड्स ड्रग्स टू द होल वर्ल्ड, और अफ्रीका में जब HIV एपिडेमिक हुआ था वो इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स ने जो कम दाम की दवाई बनाई थी उसी से कंट्रोल हुआ था। पर फिर भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है, मेरे को लगता है, लोग ऐसे तो नहीं बोल रहे, मुझे भी लगता है कि दवाइयों का दाम काफ़ी ज़्यादा है। तो दो सवाल हैं, एक आपका और एक डॉक्टर सरीन का, पहले आप बोलें। इनको प्लीज एक माइक दीजिए, कोई प्लीज समबडी सर्कुलेट द माइक्स। सर, दिस इज रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिंस, व्हाट इज योर व्यू ऑन द जेनेरिक मेडिसिंस? आप जेनेरिक के बारे में बताएं। अच्छा, एक मिनट, जेनेरिक में के बारे में बताने से पहले जरा एक्सप्लेन कर देंगे जेनेरिक क्या होता है। जेनरिक बेसिकली हम एक इनोवेटर मेडिसिन होता है कि जो इनोवेटर इज़ मल्टीनेशनल्स मेडिसिन विच इज़ वन ऑफ द ड्रग, और जेनरिक जो है कि इंडियन मेडिसिन भी सेम मॉलिक्यूल है, क्वालिटी इज़ ऑल्सो दी सेम, द प्राइस इज़ डाउन, बिकॉज वो अगर आप देखेंगे कॉस्ट की एक MNC का प्राइस और एक इंडियन का, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और जेनरिक मेडिसिन भी अच्छी हैं क्योंकि वो अप्रूव्ड है DCGI से। पहली चीज़ है कि हम कोई भी मेडिसिन मार्केट में आती है तो उसका पहले अप्रूवल DCGI के थ्रू होता है, तो जब तक क्वालिटी पैरामीटर्स और प्लांट के रेगुलेटरी पेपर्स आप जमा नहीं करेंगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। तो जो भी मेडिसिन अगर आप कोई भी लेते हैं तो आप पहले बिल लीजिए ज़रूर उससे केमिस्ट का, तो अगर कुछ भी अगर गड़बड़ होगा तो वो बिल उस मेडिसिन का नहीं दे सकता है। तो वो आपको कॉस्ट में फ़र्क है, अगर आप देखेंगे ऑनलाइन भी आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे कि उसका इनोवेटर क्या है, जेनरिक है, तो दे आर इक्वल इन क्वालिटी, बट यू सेव ऑन मच इन कॉस्ट क्योंकि वो कॉस्ट डिफरेंस होता है, बट क्वालिटी इज द सेम। ऐसा तो मैं संक्षेप में बता दूं इन्होंने क्या कहा, DCGI का मतलब है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, और ड्रग कंट्रोलर जिस भी दवाई को अप्रूव कर देता है तो उसका मतलब है कि वो क्वालिटी की ही है, और इंडियन दवाइयाँ सेम क्वालिटी की हैं लेकिन उनका दाम काफ़ी कम है। अच्छा, डॉक्टर सरीन आप कुछ कह रही थी, बोलिए प्लीज़, इनको माइक दीजिए। I agree entirely what the corporate hospital doctors, Dr. Selve said, the pharmaceutical and everything. That's all for the middle and the upper middle class people. Just imagine a person who earns 25 to 50,000 a month and he has a breast cancer and you need 5 lakhs for the treatment. So I strongly feel that in logon ke liye government कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है, प्राइसेस ड्रग्स की नीचे हो गई हैं, पर बाकी की इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट इतना ज़्यादा नहीं कर रही है, अवेयरनेस नहीं कर रही है, ट्रीटमेंट में हेल्प नहीं कर रही है, इंश्योरेंस इन छोटे छोटे लो इनकम लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। एंड आई वॉन्ट यू पीपल,
the women liberation, the women empowerment to get together and press on the government to do more for these cancer patients who come from a poor class families. I went for a health camp 5 years pehle aur kisi ka humne cervical cancer diagnose kara. Us aurat ne pata hame kya bola, doctor sahab aapne kyu diagnose kara, मैं तो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती हूँ, मैं तो जा नहीं सकती हूँ. अच्छी खासी मैं बैठी हुई थी, अच्छी खासी मेरे को रात को नींद आती थी. अब आपने बता दिया कैंसर है, इलाज भी नहीं कर सकती, सो भी नहीं सकती, मर भी नहीं सकती. सो आई सी नो रीज़न, आई मीन वी गो फॉर कैंप्स, वी डायग्नोज, बट वी हैव नो वे. आई हैव अ पेशेंट राइट नाउ, अ पियर इन अ जिमनास, एंड वन ऑफ द गर्ल्स हु इज़ गोइंग टू डू एक्टिंग टूडे, उसके हेल्थ क्लब में वो है, उस कहीं ट्रीटमेंट करवा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. उन्होंने कहा पेट करवा लो. अब उसके पास में 10,000 नहीं है पेट करवाने के लिए, वो एक महीने से घूम रहा है. तो हमने 10,000 दे के उसका पेट करवा लिया. अब उसको बोला भैया ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सब जगह कैंसर फैल चुका है. वो वहाँ वापस जाता है, वो कहते हैं जी अब बायोप्सी करवा लो सीटी गाइडेड. अब वो कह रहा है एक महीने से दो महीने. मेरा कहने का ये मतलब है कि देयर आर मेनी पीपल हु आर लो इनकम, कैनॉट अफोर्ड द ट्रीटमेंट. Government is doing, but I think not enough. And I want women's empowerment, like America. They are after the government to save their boobs before they grow. You know. चलिए डॉक्टर सरीन, आपने बहुत अच्छी बात कही. हालांकि मैं ये बोलूँगा कि गवर्नमेंट ने पिछले 5-10 सालों में कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कई सारी ऐसी स्कीम्स चलाई हैं. आप में से कोई ना कोई राजीव गांधी योजना या दूसरी योजनाओं के बारे में शायद बताएगा. तो मेरे को, हाँ आप भी कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए. मेरा क्वेश्चन थोड़ा लीगल है कि आप कितने दिनों या सालों तक एक डॉक्टर को स्यू कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपके ट्रीटमेंट में कुछ गलत हुआ है? आप बताएं कि डॉक्टर्स को आप कब तक स्यू कर सकते हैं? ऐसा तो लीगल पार्लेंस में उसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट बोलते हैं. बट जब तक, जब डेट ऑफ नॉलेज, फ्रॉम द टाइम यू केम टू नो, पता चला कि ये डॉक्टर ने आपका डायग्नोसिस ठीक नहीं किया है, तभी से भी आप लिमिटेशन शुरू हो सकता है. तो यू कैन एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, सो यू रियली हैव अनलिमिटेड पीरियड अहेड ऑफ यू. बट वैसे वो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस में कुछ होता है, 7 साल या 10 साल, कुछ ऐसा एक तरीके का पीरियड होता है. तो आप जो 1970 में हुआ था उसको आप मुश्किल है उसके बारे में केस करना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग. तो हम कहाँ पर थे? हाँ, आपका एक सवाल था अबाउट द लीव्स, है ना, कि छुट्टियाँ नहीं मिलती और उसका क्या करना चाहिए. तो आप बताएं कि देखिए आपके कंपनी में, आप तो एचआर के हेड हैं शायद कहीं पर, है ना, तो आपकी एक, हाँ जी, तो आपकी कर्मचारी आई, उसने बोला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया और डॉक्टर ने बोला है 2 महीने की छुट्टी, तो आप दे देंगे उनको? क्या पॉलिसी है इसमें? हर कंपनी में अलग अलग पॉलिसीज में होता है. खैर, हमारा कंपनी तो एक परिवार जैसा है, तो हमारे यहाँ डेफिनेटली मिलता ही है. बट नहीं, पर मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, आप बताएं वैसे जनरली क्या एप्लीकेबल है इंडिया में. मैं आ रहा हूँ, जनरली इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कुछ बड़ी कंपनी जो होती है उनमें हाफ पे लीव होता है, कुछ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी उसको कहते हैं, जो विदाउट पे होती है लेकिन नौकरी बची रहती है, वो उनको नौकरी से निकालते नहीं है. ये 2 साल तक का भी समय इसमें ये होता है. लेकिन मैंने तो बहुत बार सुना है, मेरे कई सारे पेशेंट आके बोलते हैं, कई बार मेल्स ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं पर फीमेल्स भी, कि जी मुझे तो नौकरी से निकाल दिया, मेरे को जैसे ही पता लगा कि कैंसर है और मैंने 1.5-2 महीने की छुट्टी ली, तो उन्होंने एक बहाना मारा या दूसरा मारा और फिर मेरे को निकाल दिया. तो उसके बारे में क्या किया जा सकता है? लेबर लॉस का मुझे पता नहीं आप लोगों ने ऐसा, पर मैंने तो बहुत सुना है अपने पेशेंट से ऐसा. स्पेसिफिकली लेबर लॉस का ये अभाव होने की वजह से ये ऐसा हो सकता है. लेकिन आजकल जो मोदी सरकार ने बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं लेबर लॉज में, तो उसमें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कर्मचारी राज्य बीमा जो है, उसमें जो अब तक 15,000 तक का जो सैलरी वेजेस ड्रॉ करते हैं उनको इसमें कवर किया जाता था, और वो भी स्पेसिफिक एरिया में. अभी पूरा एरिया में ESI ने कवर किया है और ये लिमिट भी बढ़ा दिया है 1 अक्टूबर से, इसको 21,000 कर दिया है. इसमें ये लॉन्ग टर्म डिसीजेस में इसको कवर किया है, जिसमें अगर 6 महीने का जो कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं
जिसमें आप एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन भरते हैं, एम्प्लॉयर भी उसमें अपना शेयर भरता है। तो ये ऐसे 6-6 महीने के 4 पीरियड्स में अगर कोई काम करता है तो वो एलिजिबल हो जाता है ये लॉन्ग टर्म सिकनेस बेनिफिट के लिए, जिसमें 124 डेज तक का सिकनेस बेनिफिट मिलता है, जो कि 80% ऑफ योर वेजेस होता है। और 124 डेज का बेनिफिट पीरियड भी एक्सटेंड किया जा सकता है अगर मेडिकल। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देखिए आप तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इसलिए आपको ये सब चीज़ें पता हैं, ये तो मुझे भी सारी नहीं पता, तो ये पेशेंट्स को कैसे पता लगेंगे? ये ना तो किसी वेबसाइट पे है, आप तो इसके ज्ञाता हैं इसलिए आपको पता है, तो ये कैसे, ये सबको कैसे पता लगनी चाहिए ये सारी, ये सारे रूल्स जो उनके ऊपर अप्लाई होते हैं, जो उनके राइट्स हैं? हम लोग अक्सर ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसमें हम प्रोविडेंट फंड हो या ESI हो, तो लोगों को बुलाते हैं हमारा कंपनी में और लोगों को न सिर्फ ट्रेनिंग सेशन देते हैं बल्कि उनके समस्याएं भी हल करते हैं। किसी का कोई लॉन्ग टर्म पेंडिंग भी हो, बहुत सारे इश्यूज, तो उनको भी हम उनके साथ टेकअप करते जैसे हैं। डॉक्टर शोना नाग यहाँ पर बैठी हैं, डॉक्टर नाग आप जो है अपनी वेबसाइट पर ये सारे जो ये बता रहे हैं ये सब डाल सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है उसको, एटलीस्ट लोगों को आइडिया तो लगेगा कि कैंसर पेशेंट्स को कौन कौन से तरीके की छुट्टियाँ मिल सकती हैं, कौन सी सिकनेस लीव मिल सकती है, एक्स्ट्रॉर्डनरी लीव मिल सकती है, जो ये सब बता रहे हैं। तो ये मुझे लगता है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने बोला था अबाउट डिजीज एंड ट्रीटमेंट, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू दी अदर सिविक मैटर सच एज दीज। ये बिल्कुल डाला जा सकता है, जैसे हमारे यहाँ पर शेयरपॉइंट सर्वर एक अलग से पोर्टल है इसके लिए, तो जिसमें हम ये नॉलेज शेयर भी करते हैं, तो ये ज़रूर इसमें, ये आपका सजेशन बहुत ही अच्छा है जो इसमें हम डाल सकते हैं कि हर कोई उसमें जाकर कभी भी अपना नॉलेज अपग्रेड कर सकता है। अच्छा चलिए, हाँ जी आप उधर से कुछ बोलना चाह रही हैं, बताइए। वी आर टॉकिंग अ लॉट ऑफ अबाउट ऑफिसेज एंड कॉर्पोरेट्स, बट कैन समबडी डू समथिंग फॉर टीचर्स? फॉर स्कूल्स वी डू नॉट गेट एनी बेनिफिट्स। आई एम अ टीचर एंड व्हेन आई वाज डायग्नोज विद कैंसर एंड आई रोट एंड सेड दैट आई हैड टू हैव अ सर्जरी अप टू टुडे इट्स 6 ईयर्स I'm waiting for a reply. And I no, sat at home. But what was your demand of your school? I just said, what do I do? I'm no. going under surgery. Will you give me leave? Oh, about your leave. And I know there are many cases. There are 5 cases in my school. They go for chemo and come back and they've been told not to tell anybody that they have cancer. So okay. I think we have to do something about that. देखिए ये जो इन्होंने बोला ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा हम ये सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं होता, पर ऐसा हर रोज़ होता है, मेरे कई सारे पेशेंट्स मुझे बताते हैं। तो इसमें आप तो लॉयर हैं, आप बताइए क्या किया जा सकता है? एक्सक्यूज मी, एक मिनट पहले उनके सवाल का जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपसे भी बात करता हूँ, बताइए। मेरी जितनी जानकारी ये लेबर लॉस के ऊपर है, ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है किसके लिए, ये सब कॉरपोरेट पॉलिसीज है। ऐसा गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया, इफ़ यूर लॉन्ग टर्म इलनेस पेशेंट यू आर एंटाइटल्ड टू लीव और दैट कंपनी हैज़ बाउंड टू गिव इट टू यू स्टैचुटरली। एवरी कॉरपोरेट हैज़ इट्स ओन पॉलिसी एंड एज शी राइटली सेड स्कूल्स डू नॉट हैव सच पॉलिसी। सो तो देखिए एक मिनट सो ये जो है ये फिर एक एक्शन पॉइंट हो सकता है। हम लोग सोचते हैं कि हम क्या डिमांड करें, हम क्या रखें गवर्नमेंट के सामने कि हमें चाहिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, कोई 6 हफ्ते के लिए आ नहीं सकता, तो लीव तो मिलनी चाहिए। ये तो ये जो है दिस कैन बी कोडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ सम स्टैट्यूट अमेंडमेंट्स इनटू द लेबर लॉज एंड वेरियस। हाँ जी बताइए, इनको जरा माइक दीजिए प्लीज, ऐसे नहीं करिए, इनको माइक दीजिए और उसके बाद उनको भी दीजिएगा माइक। मैं तो टीचर थी जिला परिषद में, तो मुझे 1 साल के लिए मुझे जो पता है वो जो हमें लीव लेनी पड़ती है, वो एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड से लीव लेनी पड़ती है। तो 1 साल के लिए TB कैंसर और पक्षघात को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हाँ, तो उसको उसके लिए 1 साल के लिए लीव
मेडिकल बिल। आपने ठीक बोला, कुछ सरकारी जो जॉब्स होते हैं उसके अंदर इस तरीके का प्रावधान है। वो ये बोल रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। चलिए अब उनसे पूछते हैं, जरा उनको दीजिए माइक। हाँ जी बताइए। नो कंपनी गिव्स अस इंश्योरेंस। नो कंपनी गिव्स यू इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। नो इंश्योरेंस फॉर कैंसर पेशेंट्स, दैट इज वन थिंग। एंड आई हैव बीन वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट। I took a VRS after 20 years and I wanted to do a private insurance. No company is giving me insurance. But was that before your diagnosis or after your diagnosis? After my diagnosis. See, I was covered under corporate insurance policy. My company had a very good insurance policy. All my medical treatment, I didn't even see the bills. They went to the company and it was paid. And when I took my VRS, I took an initiative. I went to the MD and I spoke to him. This is my problem. I am taking VRS because my entire department was transferred to a location which was having a lot of dust pollution, and I don't want to put an hazard to my health. And I want the insurance to be continued because no company is giving me insurance. ठीक है, आपका सवाल मैं समझ गया। अब insurance के बारे में कौन आप में से expert है? कौन बता सकता है insurance के बारे में? अच्छा आप बता सकते। अच्छा देखिए, उनका उनका ये सवाल है कि उनका इंश्योरेंस था और जब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया प्रीमेच्योर, तो उसके बाद वो इंश्योरेंस उनका कंटिन्यू नहीं हुआ। किसी कंपनी ने उनका इंश्योरेंस करने से मना कर दिया, किसी भी कंपनी ने। इंश्योरेंस भी एक ठीक है, तो आप तो थोड़ी जागरूक थी और आपने थोड़ा सा यू टुक द इनिशिएटिव एंड यू फॉट फॉर इट। बट ये बताइए इसके बारे में, इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस भी एक बिजनेस है और इंश्योरेंस बिजनेस में प्रीमियम लेना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पेमेंट करना जितना अवॉइड कर सके करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनीज डू इंडल्ज इन सच प्रैक्टिसेस ऑफ नॉट कि इंश्योरेंस न देने के लिए फॉर कैंसर पेशेंट्स, बट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट दे हैव टू गिव यू इंश्योरेंस, that is the law. तो इसके लिए आपको झगड़ा करना पड़ेगा। सो यू हैव टू चैलेंज इट एंड गेट इंश्योरेंस। इफ यू गो टू सेकेंड लेवल आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। देखिए इसका एक उदाहरण मैं अपने पेशेंट के बारे में बताता हूँ। उसका डायग्नोसिस हुआ फरवरी समझ लीजिए 2013 में, और उसने इंश्योरेंस की हुई थी समझ लीजिए 2011 में। और एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसने बोला कि आपकी बीमारी तो जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैंसर है उसके हिसाब से तो 2007 में शुरू हुई होगी कैंसर, एक कैंसर सेल से, तो ये तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है और हम उसको कवर ही नहीं करेंगे। मैंने उस पेशेंट को एक सर्टिफिकेट दिया कि आप जाके कंपनी को बोलो कि अगर आप यही स्टैंड रखोगे तो मैं आपको सू करने वाली हूँ, नॉट ओनली फॉर रिकवरी ऑफ माई ड्यूज बट ऑल्सो फॉर मेंटल हरासमेंट, एंड डॉक्टर सुदीप गुप्ता विल स्टैंड विटनेस। तो फिर उनको मिल गया। तो लेकिन मैं ये तो एक ही सिर्फ उदाहरण है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर आप थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कभी कभी लड़ना पड़ता है, और इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो हार्ट डिजीज़ तो बचपन में ही शुरू हो जाती है, तो किसी हार्ट डिजीज़ के लिए कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल तो 9 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है जमा होना। तो ये इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी जो है आँखों में धूल झोंकने का काम करती हैं, लेकिन इसके लिए फाइट करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी आप बताइए, आप क्या कहती हैं? This is just a little I wanted to share. When we were searching for a representative from the insurance company, so we had approached one insurance company, I'm not going to take the name, and he very categorically told us that if there is a patient and has been treated, the doctor might say he's cured, but he's still a cancer patient, so no insurance for cancer patients. But even for the children, because it could be hereditary, then they are not eligible for insurance. No, what you are saying is about pre-existing illness, which is absolutely correct. कि आज मेरे को कोई बीमारी हो गई उस there is no such rule of hereditary. They are bound to cover, and you know this chap is just trying to, you know, again in my Hindi parlance, आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, and this will not stand scrutiny in any court of law. If he says कि आपकी माँ को कैंसर था इसलिए मैं आपको नहीं देने वाला हूँ इंश्योरेंस, दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड यू नो हाँ यस यू आर सेइंग समथिंग। सी दैट इज वाई इन माई मॉर्निंग ओपनिंग स्टेटमेंट आई सेड दैट यू नो बियॉन्ड गैदरिंग हियर वंस अ ईयर वी हैव टू फॉर्म अ प्रेशर ग्रुप, अ बार्गेनिंग ग्रुप,
an action group that will take up the cause for all affected women and all affected individuals, because that is likely to result in benefit for many, many more others. And करेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक बोला. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. मैं एक बात बोलूं? कौन बोल रहा है बताइए. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए. हमने ये पैनल के लिए बहुत कोशिश किया एक इंश्योरेंस पर्सन को लाने के लिए, लेकिन नोबडी अग्रीड. चलिए कोई बात नहीं, उनकी एब्सेंस में उनको बुरा भला नहीं बोलना चाहिए. वो भी अच्छा काम करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट इंश्योरेंस वाले, क्योंकि जो जिसको राइट ऑफ रिप्लाई नहीं है उसको बहुत बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वी मस्ट ऑल फाइट फॉर आर राइट्स. अच्छा चलिए आप, हाँ बोलिए. अभी कोर्ट्स को थोड़ा टू एनेबल कॉमन पीपल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स, देयर इज समथिंग नाउ इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन. So now you don't need to go to court. You can even challenge these decisions with the ombudsman, which will be a faster and nearly free process. देखिए डॉक्टर शोनानाग, आपको एक और मैं बोलूँगा, ये कितनी बढ़िया बातें बोल रहे हैं. इन सबको थोड़ा सा लिख के अगर एक जगह इंफॉर्मेशन हो पेशेंट्स के बारे में, इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो पावर टू सम एक्सटेंट. एंड ये मुझे भी नहीं पता जो अभी इन्होंने बोला, तो ये सब इस सब की जानकारी होनी चाहिए. चलिए आपसे बात करते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप बताइए कि कैंसर पेशेंट्स के संदर्भ में क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं और आपका क्या विचार है? आई गॉट अ प्रेजेंटेशन. आई हैव अ प्रेजेंटेशन, कैन यू मेक इट ऑन? आई विल जस्ट फिनिश इन 5 मिनट्स. आपका प्रेजेंटेशन है ये वाला? आई विल रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो एंड टेल यू इन हिंदी ऑल्सो. इनकम टैक्स ने स्पेशल बेनिफिट दिया, एक सेक्शन है. एक काम करिए, आप इधर आ जाइए, यहाँ पर इधर आइए, इधर आइए. Yes. Yeah, I have in my hand. No problem. Okay. But they can't see me. Okay. Correct. चलिए यहाँ बोलिए. Yeah. तो मैं आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे. हाँ. Yeah. आप next slide बोल दीजिए. All can see the screen. Yeah, I have a screen. ATDDB. That is a special section by Income Tax Department से. ATDDB करके Income Tax का एक section है. इसके लिए medical treatment of specific diseases. कुछ स्पेशल डिसीजेज, देर इज अ लिस्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड. फॉर सेल्फ, खुद के लिए स्पेंड किया है, या और फॉर अ डिपेंडेंट इन द फैमिली. हु कैन ऑल बी द डिपेंडेंट? स्पाउस, दैट इज हस्बैंड और वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर. द पर्सन हु इज पेइंग टैक्स, जो टैक्स भर रहे हैं, उन्होंने खुद के लिए या अपनी ये फैमिली मेम्बर्स के लिए अगर एक्सपेंडिचर किया तो इनकम टैक्स का स्पेशल बेनिफिट है. विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाउ मच इज़ द बेनिफिट, कितना बेनिफिट है? डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पेशेंट. अगर पेशेंट का एज अप टू 60 है तो 40,000 rupees पर ईयर. एक्चुअल एक्सपेंडिचर अगर कम हुआ है, से 30,000, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और मैक्सिमम लिमिट. अगर खर्चा 50,000 हुआ है तो इनकम टैक्स का रिस्ट्रिक्शन है 40,000 का. पर अगर खर्चा 30,000 हुआ है, लोअर दैन 40,000, तो विच एवर इज लोअर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और द अमाउंट गिवन बाय द गवर्नमेंट, दैट इज 40,000. अगर पेशेंट इज 60 कंप्लीट, पर 80 कंप्लीट नहीं है, सीनियर सिटीजन बोलते हैं इनकम टैक्स के कंसेप्ट से, तो बेनिफिट गिवन इज 60,000. अगेन कंसेप्ट इज सेम, एक्चुअल खर्चा कम हुआ हो तो कम मिलेगा, पर 60,000 से ज़्यादा हुआ हो तो 60,000 बेनिफिट. दिस बेनिफिट इज पर ईयर, फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है. तो उस साल में अगर ट्रीटमेंट के लिए खर्चा हुआ है तो यू गेट दिस बेनिफिट, दैट इज डिडक्शन फ्रॉम योर इनकम वाइल पेइंग द टैक्स. And if the patient is super senior citizen, 80 complete is super senior citizen as per income tax, उसके लिए limit और ज़्यादा बढ़ाई है, that limit is 80,000 rupees. इसमें और एक clause है, अगर आप काम कर रहे हो और कंपनी से कुछ reimbursement मिल रहा हो तो reimbursement वो deduction से कम होगी. अगर आपका खर्चा 80,000 हुआ है और कंपनी या स्कूल या इंश्योरेंस कंपनी से आपको 30,000 मिला है, तो your benefit will get restricted to 50,000 only. Whatever you get back, again double deduction उसका नहीं मिलेगा. सो दीज आर द अमाउंट्स फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन. हायर डिडक्शंस आर गिवन बाय द डिपार्टमेंट. अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टिल लास्ट ईयर डॉक्टर सर्टिफिकेट वॉज कंपल्सरी. डॉक्टर हैज टू इशू सर्टिफिकेट एंड पेशेंट हैज टू कीप और टैक्स पेयर हैज टू कीप इट इन हिज फाइल. पर अभी वो थोड़ा रिलैक्स कर दिया है, इट हैज बिकम ईजियर. तो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, यू हैव टू हैव इन योर फाइल डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन.
कौन से डिसीज कवर कर दिया है, तो न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, मैलिग्नेंट कैंसर्स, एड्स, क्रोनिक रेनल फेल्यूर और हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये ऑल डिसीजेस के लिए ये इनकम टैक्स का बेनिफिट है. एंड व्हाट डू यू नीड, स्पेशलिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन आपको लेके आपके फाइल में रखना है, दैट इज ऑल गवर्नमेंट वॉन्ट्स. नाउ फॉर मैलिग्नेंट कैंसर्स, oncologist having doctorate of medicine, that is DM degree in oncology or equivalent degree, can give the prescription. So aap jisse treatment le rahe ho wo agar unke paas ye qualification hai to inka prescription aap file mein rakhwa dijiye. Assessee should retain the prescription with himself. It is not possible or required to attach it with income tax return. Abhi online electronic return ka filing hota hai to usko, or ya manual return bhi department mein jata hai to usse kuch attach nahi karna hai. You just have to take the prescription and keep it in file. If department wants to confirm it at the time of scrutiny, that time you have to show the prescription. Wo return ke liye attach karne ki jarurat nahi hai. You just have to keep it as a proof in your file. Next slide please. So what should all prescription ka no standard format, government hasn't issued any specific format for prescription, but it should include some details. Usme kuch details aane chahiye. Kya details aane chahiye? Name and age of the patient, because we have seen ki senior citizen ke liye jyada deduction hai, isliye patient ka age usme hona chahiye, naam hona chahiye, kaun se date ka wo prescription hai, because return is for financial year. एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हम रिटर्न भरते हैं, अगर उस रिटर्न ईयर में आपका प्रिस्क्रिप्शन और खर्चा हुआ है, देन ऑन एक्सपेंडिचर बेसिस गवर्नमेंट इज गिविंग दैट डिडक्शन. सो डेट इज इम्पॉर्टेंट, नेम ऑफ द डिसीज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी हैव सीन इट इज फॉर सम स्पेसिफिक डिसीजेस. नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पेशलिस्ट. पहले हमने बोला है कि कुछ स्पेशलिस्ट कैन गिव द डिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्रिप्शन, सो यू हैव टू कवर दैट डॉक्टर्स क्वालिफिकेशन. And name and address of the government hospital. It is not compulsory to take treatment in government hospital, but you are taking the treatment in government hospital, then name and address of that government hospital should be in prescription. So I suggest every year when you are taking the treatment, you take a prescription you must be taking for medicines, keep it in the file, and on that basis you can claim the deduction in your return, so you can save some tax on that. And for small businesses or individuals, working people, income tax return date is 31st July. And for if you have bigger business that more than 1 crore, then income tax return is 30th September. So if you have already filed the return for 31st July, many of you must have, then you can revise return if you have got this prescription. You haven't taken the benefit, you can show your prescription to your income tax consultant. On the basis of that, they can revise your return and can take the benefit for March 16 year we just completed. Also, you can get the refund if you have paid the taxes. If you are below limit, then you won't get any refund from people. धन्यवाद, आपने बहुत ही practical और अच्छी जानकारी दी, इनके लिए थोड़ी तालियां हो जाए. आपसे एक सवाल है कि अगर कोई महिला काम नहीं करती और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करती तो उसके पति के नाम पे हो सकता है ये इनकम टैक्स? पति के नाम के, बिकॉज शी बिकम्स डिपेंडेंट ऑन दैट हस्बैंड, एंड इफ ही इज मेकिंग द एक्सपेंडिचर, ही इज पेइंग फॉर दैट एक्सपेंडिचर, तो वो हो सकता है. बिकॉज आई एम डिपेंडेंट, एंड डिपेंडेंट कवर्स ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड स्पाउस. चलिए बहुत बढ़िया. या एक सवाल है उधर से, पर आपके सवाल से पहले एक मिनट मैं समीरा जी से कहाँ गई, आपका परमिशन है, यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, ये टाइम तो मेरे पास है नहीं, तो कितना समय और है? हम ले लो टाइम, समीरा जी ने बोला हम ले लेते हैं टाइम. चलिए बताइए आपका क्या सवाल है, एक मिनट पहले उनका सवाल, उसके बाद आपका. पहले उनका, यू सेड 40,000 इज रिबेट गिवन फॉर फाइनेंशियल, या पर फाइनेंशियल अंडर 60. व्हेन वाज दिस 40,000 थिंग मेड, हाउ मेनी इयर्स बैक? Because now with the cost of medicine, okay, a recurrence of cancer happens and we are spending more than 50, 60, 70, 80 sometimes per month. Yeah. And if it's a recurrence which has happened after many years and you have to take this medicine lifelong, I don't think this 40,000 rebate really helps us. Yeah, I agree with you. देखिए आपने बिल्कुल ठीक बोला. This is again another action point, yes. Another actionable point, yes. Then one can lobby with the that government. We need to talk about. I hope somebody is writing down somewhere as to what all things can one demand. 40,000 is just a drop in the ocean. Yes. When you compare the money that we are spending on keeping ourselves alive.
we agree with you. We completely agree with you. This limit for income tax rebate should be brought up. Yes. And be more contemporary and more relevant to the current environment. Yes. आपने कुछ सवाल पूछना था, बताइए. Whole of India. This is Central Income Tax Act. So applicable to whole of India. चलिए आप एक आखिरी स्लाइड में कुछ और जानकारी देना चाहती हैं, बताइए. वन लास्ट स्लाइड दैट फर्स्ट एक्सपेंडिचर वाज फॉर योर ओन पेशेंट्स. देयर आर सम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग लाइक कैंसर सोसाइटी. सो इफ यू डोनेट टू दैट सोसाइटी देन आल्सो इनकम टैक्स बेनिफिट इज देयर. इफ यू आर डोनेटिंग टू अ ट्रस्ट हु इज हैविंग ATG सर्टिफिकेट देन यू गेट 50% और 100% डिडक्शन आउट ऑफ योर इनकम फॉर डोनेटिंग टू दैट ट्रस्ट. सो इफ यू want to help some other patients and donate to some organization like this, then also income tax gives you some benefit. Chaliye, thank you very much. Ab aakhir mein hum log ek aur mudde pe baat karenge jo ki bahut ahem hai aur wo hai clinical trials. Hello. Acha, aap kuch puchna chahti hain, bataiye. Main fakt government hospital cha last journey he kelela ahe, treatment ghetlele ahe. त्यांच्यासाठीच आहे का फक्त? नाही नाही, खाली अंडर. आणि दुसरं, एम्प्लॉय तुम्ही 60 वरती म्हणताय, 60 इयर, अप टू 60 इयर. अप टू 60 इयरला डिडक्शनची अमाऊंट कमी आहे, 60 वरती जास्ती आहे. इयरली 40,000 इफ द एज ऑफ द पेशंट इज अप टू 60. 40,000 च्या वर खर्च झाले तर ना. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, बाद में इनसे बात कर लीजिएगा, अभी थोड़ा सा आगे शाम बहुत हो चुकी है. एक ही मिनट सर. और 84 DD2 आप लेना, तो उसमें कितना परसेंटेज? 100%. देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इनसे इस पैनल डिस्कशन के बाद थोड़ी सी बात करें और उनका मुद्दा सुलझाएं प्लीज. ओके, थैंक यू. अच्छा, देखिए, अभी हम लोग एक आखिरी मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो है क्लिनिकल ट्रायल्स. तो पहले तो ये बताइए, यहाँ पर आप लोगों में से कितनों ने क्लिनिकल ट्रायल्स नाम की कोई चीज सुनी है? मैंने ये नहीं बोला कि समझी है, सिर्फ सुनी है. सिर्फ सुनी भी करीब 15 या 20% ने है. अच्छा, और आप में से किसी ने भाग लिया है किसी क्लिनिकल ट्रायल में? आपने दो ने. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट इन्फॉर्मेशन. आप बताएं, आप क्लिनिकल ट्रायल्स में माहिर हैं, और आप बताएं कि क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, बट थोड़ा सा इन जनरल क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में कुछ बताएं. महिलाओं को क्लिनिकल ट्रायल्स जो होती है, बेसिकली आज फॉर एग्जांपल आज कोई भी दवाई आप जो ला के लेते हैं मार्केट में, कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे क्रोशन चाहिए, या मुझे अभी जो कीमो की दवाई निकली हुई है, 10 साल पहले कीमोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट थी और आज की ट्रीटमेंट है, उसमें काफ़ी फैलाव आया है, बदलाया हुआ है. एक दवाई है हर्सेप्टिन करके, ट्रास्टुजुमाब नाम की, जो कि पहले कई साल पहले इंडिया के बाहर मिलती थी, हमको इंपोर्ट करने पड़ती थी, उसकी कॉस्ट भी 2-3 लाख के ऊपर थी, और आज वो दवाई 50,000 रुपये के हुई है. क्यों हुई है? क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स पे हुए है, उसके ऊपर रिसर्च हुआ है, तो काफ़ी सारी इंडियन कंपनी जो बायोसिमिलर्स आई है इसमें, और इसकी वजह से दवाई की कॉस्ट भी कम हुई है, क्योंकि उसकी उपलब्धि हुई है. क्यों हुई है? क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में. तो क्लिनिकल ट्रायल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट है, क्योंकि नए नए जो न्यूर थेरेपीज आ रही है वो हमें कैसे समझेगी? अगर हम लोग आज भी 1950 की दवाई यूज़ करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? आज हम 2016 में है और हमको आगे बढ़ना है, तो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, तो मैं डॉक्टर सेल्वी से एक सवाल पूछना चाहूँगा इससे पहले कि वो कुछ कहें. मैंने तो सुना है कि क्लिनिकल ट्रायल एक तरीके का एक्सपेरिमेंट होता है और उसमें बहुत खतरा होता है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मुझे तो लगता है कि बहुत दैट वाज व्हाट आई वाज गोइंग टू से. मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स एक्चुअली व्हेन मिनट वी से क्लिनिकल ट्रायल द ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स इज दैट दे फील लाइक दे आर अ गिनी पिग एंड दे फील रिलक्टेंट टू बिकॉज इट्स द वर्ड ट्रायल मेक्स इट मेक एंड द अंडरस्टैंडिंग इज दैट दे आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट समथिंग दैट इज अननोन. इट इज प्रोबेबली इट्स अ फैक्ट बट there is an inherent suspicion, particularly in our community. You know, we've tried to talk to patients regarding trials. The minute we say trial, it is off. You know, I want only the standard treatment. I don't want the potential experiment treatment. One, two, and then
So there are some industry-driven trials that happen. Medicines come free, and that is an incentive. They go through that treatment, understanding or not understanding. The minute there is a problem, then the next question is, because it's a trial, is it that the treatment failed or the side effects happened? So these are the issues. I think in Western countries, if a hospital or an institution doesn't offer clinical trials, they're not up to date and they probably don't offer top class treatments. So that is the level where they are. If your institution offers clinical trials, that means they are on like tier one or top level hospital. If you don't offer clinical trials, then that means you're like way down in the ladder in terms of expertise and skills. So that is where it's marked abroad. But whereas in our country, if you offer trials, it means your doctor is experimenting. So that is where we stand. We need to actually demystify this understanding of clinical trials and actually encourage more and more women to participate. And it's only for the betterment. तो एक डॉक्टर शोना नाग से पूछते हैं क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स किए हुए हैं और वो बहुत माहिर हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में. आप बताएं कि महिलाओं के पर्सपेक्टिव से, ब्रेस्ट कैंसर के पर्सपेक्टिव से, आपको क्या लगता है क्लिनिकल ट्रायल एक हॉस्पिटल के लिए ऑफर करना और एक पेशेंट के लिए पार्टिसिपेट करना, ये अच्छी चीज़ है कि नहीं है? और सेल्वी जी ने अच्छा बताया कि हम सब के मन में ऐसी धारणाएँ हैं कि ये तो एक्सपेरिमेंट है तो हम इसमें क्यों भाग लें. तो आप बताएँ कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और थोड़ा इन्फॉर्म्ड कंसेंटिंग के बारे में भी बताएँ. अभी आप सब ने कीमोथेरेपी लिया है, तो हर एक ड्रग जो आपने कीमोथेरेपी में लिया है वो पहले क्लिनिकल ट्रायल्स में ट्राई किया गया था. अभी आप सब 300 महिला उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और वो काम भी कर रहा है. तो जब एक ड्रग आता है, जब एक ड्रग डिस्कवर होता है, तो उसे पेशेंट तक पहुँचाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल करना ज़रूरी है. और क्लिनिकल ट्रायल की वजह से सब मेडिसिन जो आज हमारे पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो सब क्लिनिकल ट्रायल्स की वजह से है. जो अच्छे हैं, जिससे फ़ायदा होता है, वो पास हो गए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में. लेकिन जब हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, तो जब तक ड्रग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब ट्रायल्स में एक पहला स्टेज रहता है, दूसरा स्टेज रहता है, तीसरा स्टेज रहता है, और जब तीसरे स्टेज में हम पेशेंट्स को देते हैं टेस्ट करने के लिए कि नया ट्रीटमेंट अच्छा है या जूना ट्रीटमेंट अच्छा है, तो वो सचमुच एक एक्सपेरिमेंट रहता है. लेकिन ऑलरेडी पहले का डेटा जो है उसका जो सेफ्टी है, मतलब कितना सेफ है, कित फ़ायदा है और साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, वो सब प्रूव किया गया है. तो ऐसे डेंजरस नहीं है क्लिनिकल ट्रायल्स में भाग लेना. हम जब क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफर करते हैं पेशेंट्स को, तब हम आपको सब बताते हैं वो ड्रग के बारे में, उनके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या है. आपको हक है, कभी भी ये ट्रायल से बाहर निकल सकते हैं आप, और आपको पूरी जानकारी दी जाती है, आपको समय दिया जाता है वो नए ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने के लिए. आप घर ले जाते हैं वो कंसेंट, आप रिलेटिव से डिस्कस करते हैं, अपने GP से डिस्कस करते हैं, और फिर हम आपका सिग्नेचर लेते हैं वो डॉक्यूमेंट पे. इसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट. आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी मैंडेटरी किया कि वीडियो पे हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले रहे हैं, तो सब डॉक्यूमेंट होके गवर्नमेंट के पास जाता है. तो क्लिनिकल ट्रायल्स बुरी चीज़ नहीं है. अगर क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते, तो जो भी ट्रीटमेंट आप अभी ले रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होता. चलिए, आपने बहुत बढ़िया बताया. आप कुछ आखिरी शब्द कहना चाहेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में? आपका बहुत तजुर्बा है उसमें, बताइए. जैसे मैडम ने कहा कि आज जो आप लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल की वजह से आप आज ले रहे हैं. तो जो आपकी नई पीढ़ी है, नई नस्ल जो आ रही है, दवाई की भी ऐसी नई नई नस्लें आएगी. जब तक क्लिनिकल ट्रायल नहीं होगी तब तक हमें नया कोई समझेगा नहीं, रिसर्च होगा नहीं. तो क्लिनिकल ट्रायल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एक बात पते की ऐसी कि कैंसर में जो ट्रीटमेंट होती है क्लिनिकल ट्रायल, वो हमेशा स्टैंडर्ड ऑफ केयर अलॉन्ग विथ न्यू थेरेपी. मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई भी दवाई दी जा रही है, जो स्टैंडर्ड केयर में जब आज जो दवाई अवेलेबल है, जो प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है, उस प्रोटोकॉल के साथ में नया प्रोटोकॉल ऐड करके दो आर्म पे ट्रीटमेंट होती है कि एक आर्म में ये जाएगा, दूसरे आर्म पे नया ट्रीटमेंट जाएगा, देन वी कैन कंपेयर कि किस आर्म में अच्छा फ़र्क पड़ा है. ऐसा देखा गया है कि कुछ जो आजकल की ट्रीटमेंट है वो अच्छी है, लेकिन उसमें एक दवाई ऐड करेंगे तो उसमें और भी परसेंटेज में सर्वाइवल रेट बढ़ सकता है.
तो ये सब चीजें क्लिनिकल ट्रायल से समझ जाती है। अच्छा देखिए, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो एक और पॉलिटिकली इनकरेक्ट सवाल पूछ ही लेता हूँ। पूछ लूँ? अच्छा देखिए, ये जो आप क्या कहती हैं, पूछ लूँ? पूछ लेता हूँ। देखिए ऐसा है, हम लोग दवाइयाँ और ऑपरेशन और रेडिएशन, इनके बारे में कितना रिगोरस और कितने कठिन क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं और उसके बेसिस पे हम लोग पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं। तो अभी हमने पिछला सेशन में देखा रेकी, योगा, आपको लगता है इन सब का भी क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए? आपसे स्टार्ट करते हैं, उनको 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 प्रूव करने के लिए, या फिर उनको वैसे ही मान लेना चाहिए कि वो सब जो है वो ठीक ही है? आपसे शुरू करते हैं सेल्वी जी, फिर आपसे बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड अल्टरनेटिव हियर, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज आर एक्सपीरियंस बेस्ड and they're not like you're not swearing by cure there. So if you want to go ahead, but if you come into the territory of offering alternative, that is instead of allopathy I'm aiming to cure, then you have no business to practice without clinical trials or proof of study. So इन्होंने तो neatly थोड़ा सा side step कर दिया, complementary को अलग अलग बता दिया और alternative को अलग। अच्छा आप बताइए, ये कहती हैं कॉम्प्लीमेंट्री में ज़रूरत नहीं है, तो जैसे देविका जी बोल रही थी कि रेकी से बहुत फ़ायदा होता है, तो आधे पेशेंट्स को रेकी कराते हैं, आधों को नहीं कराते रेकी, और फिर देखते हैं कि एंड में आउटकम क्या निकलता है। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली आयुर्वेदिक का जो मैंने कहा था ट्रीटमेंट के काफ़ी प्रोटोकॉल्स है, आयुर्वेद शास्त्र बहुत पुराना शास्त्र है, पर पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि उसकी राजमान्यता नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुआ है। आज 10 लोगों के लिए ट्रीटमेंट है, अलग अलग ट्रीटमेंट है। जो वैद्य हुए पहले बहुत पुराने, जो बहुत माहिर थे, जो बहुत नाड़ी से भी देखते थे कि आपने क्या खाया है, हम तो उसको सलाम करते हैं, लेकिन फिर भी वो सब चीज़ें उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं किया, और डॉक्यूमेंट नहीं किया इसलिए आज पता नहीं है कि वो दवाई उन्होंने उस टाइम यूज़ की थी वो किस बूथ पर यूज़ की थी, क्या था सिम्टम। तो सिम्टम ट्रीटमेंट इसके बारे में आयुर्वेद में जो लिखा है वो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन जो वैद्य लोग थे उनका नॉलेज वो अपने साथ लेके गए, उन्होंने बताया नहीं कि भाई ये दवाई की वजह से ये ऐसा होता है, इसका प्रोटोकॉल ये है। तो प्रोटोकॉल बेस बना नहीं है, तो इसलिए 100% प्रोटोकॉल्स चाहिए, उस पर रिसर्च होना चाहिए, और तभी ये आयुर्वेद भी आगे बढ़ेगा और एलोपैथी के साथ में अगर जाएगा तो पेशेंट के लिए बेनिफिट होगा। चलिए, हाँ जी, आप कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए। अभी जो डिस्कशन चालू है उसी कंटिन्यूएशन में मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक वाले बोलते हैं कि इसको एलोपैथिक मेडिसिन को हेल्प करने के लिए ही हम देते हैं दवाई या कुछ उनके पंचकर्म वगैरह होते हैं, मगर मुझे ये पूछना है कि ये सब करते समय आयुर्वेदिक मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो, उसको उसके विरुद्ध न जाएगा, ऐसा कुछ स्टडी होता है क्या? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आप बताएं कि अगर कोई एक आयुर्वेदिक दवा ले रहा है और मैं उसको अपनी दवा दे रहा हूं, तो उनके बीच में इंट्रैक्शन क्या होगा और वो इंट्रैक्शन बेनिफिशियल होगा या हार्मफुल होगा, ये कैसे पता लगेगा? सो दैट इज व्हाई व्हेन यू आर अंडरगोइंग एलोपैथिक ट्रीटमेंट से कीमोथेरेपी, यू finish the chemotherapy and after that as a adjuvant to it or complementary to it you take any medicine that you are comfortable with. So that is a different issue. So the difficulty for treating physicians is, like you said, you don't know whether it is because your Ayurvedic medicine or whatever medicine, I'm not against any system, whatever medicine that you take has actually become counterproductive. So we don't know. The truth is we don't have clinical trials, as he said, to either counter that argument or to agree with that argument. So that is where, yes, we could actually work very well with Ayurvedic physicians, homeopathic physicians, to run clinical trials on that sense. It is possible to do it. I think we just have to bridge the gap and do it and accept it into clinical practice if the effects prove to be effective. Otherwise, I have had patients who drop out of treatment going for alternate treatment, Tibetan medicine, that Shimoga medicine, that's very popular down south, I don't know why. But they drop out of treatment and go, which I'm like, totally understandably anti. आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो हर्बल बेस और एक मेटल बेस। मेरा सबको ये रिकमेंडेशन है कि जब भी कोई कीमोथेरेपी ले रहे हो उस पर मेटल बेस ट्रीटमेंट पे मत जाए,
क्योंकि बेसिकली जो केमिकल्स है वो केमिकल भी डायरेक्ट केमिकल्स. लेकिन मैं आपको डोंट नो इंटरेक्शन, आपको इंटरप्ट करता हूँ, मुझे कैसे पता कि वो मेटल बेस्ड है हर्बल बेस्ड. इसीलिए तो जो पेशेंट बताएगा ये, ये जो पेशेंट जो ट्रीटमेंट ले रहा है वो ऐसे वैद्य से या डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले कि जिनको कीमोथेरेपी के बारे में पता होना चाहिए, ना कि कोई भी जाके बैठा झाड़ के नीचे उस पर जाके दवाई ले ले. ही शुड नो द डिसीज डिटेल्स और उसके बारे में जानकारी हो तभी उनकी ट्रीटमेंट ले. और आपके राइट्स है कि आप पूछ सकते हैं कि दवाई में क्या है, कि इसमें हर्बल बेस्ड ट्रीटमेंट है या मेटल बेस्ड ट्रीटमेंट है. चलिए, ये आपने बहुत प्रैक्टिकल जानकारी दी. अब देखिए शाम बहुत गहरी हो चुकी है. आखिरी 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 दो कमेंट्स आप दोनों से, पहले आप बोलिए फिर आप बोलिए, उसके बाद हम लोग अंत करेंगे. गुड इवनिंग सर. अभी जो कॉम्प्लीमेंट्री का जो भी डिस्कशन चल रहा था ना, उससे मेरा थोड़ा एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ. तो जब मेरा थर्ड केमोथेरेपी चालू रहा था तो मेरा WBC 2200 तक हुआ था. तो फोर्थ केमो के टाइम में एडमिट होने के गई तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप घर जाओ, दो तीन दिन के बाद आपका जब WBC बढ़ेगा तब आओ. तो मेरा जो बड़ा लड़का है उसने रेकी का कोर्स किया है, रेकी फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री किया है. तो उसने मुझे वो कोर्स करने के लिए बोला. तो दो दिन का मैंने रेकी फर्स्ट डिग्री किया. तो तीसरे दिन जब मैंने WBC मेरा काउंट किया तो 4700. तो दो दिन में इतना बढ़ गया मेरा रेकी. चलिए, तो रेकी ने मेरे को बेस्ट एक्सपीरियंस दिया, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस. बहुत धन्यवाद अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए. आप बताएं, और आपका कमेंट आज का आखिरी कमेंट होगा, उसके बाद ओनली क्लोजिंग कमेंट्स. इन अ लाइटर वेन डॉक्टर इन अपोलो हॉस्पिटल दे ऑफर रेकी to both the chemotherapy drug and to you before they administer chemotherapy. Okay, excellent. On that note, आप सबसे पूछता हूँ, आपको कुछ आखिरी comment करना है किसी को, किसी चीज़ के बारे में आपको एक comment करना है बोलिए. मैं तो वकील हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, पर क्लिनिकल ट्रायल पर जब मैं बैठता हूँ तो एक ऐसा ट्रायल था कि जिधर एलोपैथी कीमोथेरेपी चला है और आयुर्वेद में भी उन्होंने बोला कि जो ट्रॉमा है, पेन है, काफ़ी कम हो जाएगा. इसके ऊपर बहुत बहस हुई. सब एलोपैथी डॉक्टर बोलते वी विल नॉट एक्सेप्ट व्हाट ही सेड इज़ राइट. ऑल द भस्मास हैव नो स्टैंडर्ड इन इंडिया, वेल एज ऑल एलोपैथी ट्रीटमेंट हैज़ टू गो थ्रू द ड्रग कंट्रोलर टू हैव अ प्रोटोकॉल, बट आयुर्वेद हैज़ नो स्टैंडर्ड. सो अंटिल वी हैव अ स्टैंडर्ड वी विल नॉट रिकमेंड इट टू बी गिवन. एंड माई व्यू वॉज दैट इफ दिस आयुर्वेद कपल्ड विथ कीमोथेरेपी और रेडिएशन वॉज गोइंग टू गिव लेस पेन एंड लेस ट्रॉमा टू द पेशेंट, वाई नॉट. एंड हाउ इज वन टू फाइंड आउट वेदर इट इज एज अ लॉयर आई कैन नॉट. सो मेरे को लगता है इट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट, यू नो, यू आर टेकिंग, देयरफॉर यू थिंक यू आर बेटर, सो यू हैव टू वैलिडेट इट, यू नो, बिफोर यू. आई थिंक इन सब ने बहुत अच्छी बातें कही. आजकल भारत सरकार ने भी एक आयुष का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है which is trying to bring के एक तरीके का स्टैंडर्ड हो हमारी हज़ारों साल पुरानी जो धरोहर है आयुर्वेद की और दूसरे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन की, उसमें भी कई अच्छी बातें हैं, लेकिन उसको सिस्टमेटिकली उनको निकाला जाए और फिर यूज़ किया जाए. तो हमारे ये पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं, इन सब के लिए ज़रा तालियां हो जाए. और आप सबका धन्यवाद कि आप सब ने हमें ऑलमोस्ट एक या डेढ़ घंटा सुना. सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट. And no good night. No good, good night. Good night. No good night, sir. Acha. I think you made a brilliant moderator. I think a round of applause for sir as well. Thank you. Please do accept a token of our appreciation. Ladies, before you leave the room, Hindi mein hum bolenge. Iske baad hamara ji entertainment ka karyakram shuru hone wala hai. Aapke paas abhi ek ghanta hai. Aap bathroom jaiye. आप फोटो निकालिए, आप मेकअप करवाइए, आपको जो चाहिए वो करना, लेकिन कोई जाना नहीं. अब कोई घर जाने वाला है यहाँ से कशाला का, जाता है ना, आशा सगळे आशीष थांबणार इथे. यस मैडम. ओके, सो बेसिकली आधे घंटे के बाद या एक घंटे के बाद हमारा बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है. वो प्रोग्राम के डिटेल हमने आपको दिए नहीं है, लेकिन हमारे पास एक प्ले है, उसके बाद में दो सॉन्ग परफॉर्मेंस है, उसमें उसके बाद एक डांस है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कई लोगों ने आपको मैसेज भेजे हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे. तो अभी कहीं नहीं जाना. तो कौन जा रहा है घर?
बरं आपण बोलूया, आपण बोलूया कसं थांबू शकताय ते. हां तुम्ही तुम्ही घरी जाऊन झोपा, घरी जाऊन झोपा. ओके तो प्लीज थोडासा एक्सरसाइज कीजिए, ऊपर नीचे जाइए, यहीं पे रहिए और हम 45 मिनट्स के बाद यहीं मिलेंगे. फिर डिनर का भी कार्यक्रम है, डिनर विल बी आफ्टर द एंटरटेनमेंट.